एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चाइमिस्टास फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक अमेजिंग वीडियो, और आप बोलेंगे कि अमेजिंग वीडियो तो आपके सारे होते हैं। सो अमेजिंग भी है और रिक्वेस्टेड भी है। सो गाइस, अब जिसने रिक्वेस्ट की है सो ऑफकोर्स उनको पता चल गया होगा कि कौन सी रिक्वेस्टेड वीडियो और किसने बोला है, और आपने थंबनेल तो रीड कर ही लिया है। सो आपको पता चल गया है कि मैं यहाँ अफोर्डेबल मेकअप ओनली फॉर बिगनर्स। यस ऑफकोर्स, क्योंकि स्टार्टिंग में बिगनर्स सभी होते हैं, आप, मैं और हम सब। ओके, सो हम आज यहाँ मैं बताऊंगी आपको कि हमारे हम कौन कौन से प्रोडक्ट जो अब बहुत अफोर्डेबल होते हैं और बहुत अच्छा मेकअप करते हैं। सो ऑफकोर्स आई विल टेल यू। और इंस्टा पे कई लोगों ने मुझे ये कमेंट किया था कि प्लीज़ आप कुछ बिगनर्स के लिए बताइएगा, इंस्टा पे किया था, कुछ लोगों ने यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में किया था। सो आप लोगों के लिए वीडियो हाजिर है, वो भी चिट चैट वीडियो, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने एक छोटी सी बनाई थी, वो 4 मिनट की थी। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि आई थिंक हो जाता है कभी कभी नहीं समझ में आता है। तो मैंने आज बहुत बड़ी वीडियो आपके लिए बनाई है, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि आपको कौन सा प्रोडक्ट कब लगाना है, कौन सा प्रोडक्ट कब लगाना है, ये भी मेकअप कैसे करते हैं ये भी बताऊंगी, और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, अगर ये नहीं तो ये, और अगर ये नहीं तो ये, काफ़ी सारे मैं ऐसे ही आपसे चिट चैट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अबाउट द प्रोडक्ट्स। सो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो कि मेरे पास आया ना मजा, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, कौन से अफोर्डेबल हैं, कौन से अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता है कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे रहते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स गंदे रहते हैं, कौन से वर्क करते हैं, कौन से वर्क नहीं करते हैं, तो कन्फ्यूजन बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। मैंने भी जब मेकअप स्टार्ट किया था तो मुझे भी बहुत सारी नॉलेज नहीं थी, तो वही आपको मैं बताने वाली हूँ कि आज स्टेप बाय स्टेप कि आप लोग भी क्या ट्राई कर सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, अफोर्डेबल भी हैं, मैंने बहुत कॉस्टली भी लेके रखे हैं, बट मैं आपको यहाँ अफोर्डेबल के बारे में ही बताने वाली हूँ। सो स्टार्ट, सो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर तो हमारे पास कोई सा भी हो, एनी बॉडी, यू नो, चाहे आयूर का, चाहे फिर एलोवेरा, कुछ भी, कोई सी भी क्रीम आप मॉइस्चराइजर एज अ मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे, सॉरी एक चीज़ मैं भूल गई आपको बताना है। सो हम मॉइस्चराइजर के बाद सबसे पहले जो हम करते हैं वो है टोनर, ठीक है। तो मेरे पास ये अफोर्डेबल ही है बहुत, इसमें छोटा पैक भी आता है और ये बड़ा है, ये 180 ml का है, ये मुझे 180 में पड़ा था। सो दिस इज़ अ वेरी अफोर्डेबल, इससे कोई अफोर्डेबल होता ही नहीं है, ये सबसे अच्छा है और बहुत अच्छा वर्क करता है, इसके बारे में मैंने रिव्यू दे ही दिया है। सो हम सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगी कि कौन से हमें सबसे पहले क्या लगाना चाहिए, वो साथ में बताती जाऊंगी, और अफोर्डेबल भी बताती जाऊंगी प्रोडक्ट कि कौन से हैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, तो मैं उसमें से बता दूंगी कि आपको क्या यूज़ करना है और कौन से यूज़ नहीं करना है, कौन सा अफोर्डेबल है, सो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूंगी। तो सबसे पहले हमारे स्किन पे जो लगता है वो है टोनर, आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने पहले भी छोटी सी क्लिप बनाई थी वीडियो की, वो आई थिंक आपको समझ में नहीं आया होगा। तो टोनर हमारे फेस को मॉइस्चराइज करता है, जितने भी ओपन पोर्स होते हैं, सॉरी, वो ब्लर आउट करता है, बहुत अच्छा। मेरे तो बहुत सारे पिंपल्स थे ना, तो वो सब इससे गायब हो चुके हैं, क्योंकि ये कुकुम्बर टोनर है और ये सारे पोर्स को मिनिमाइज करता है, बहुत अच्छा वर्क है, सारे इंग्रेडिएंट्स नेचुरल हैं, और जो ये कुकुम्बर होता है हमारी स्किन के लिए कितना अमेजिंग होता है, इसकी तो कोई बताने की बात ही नहीं, कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं। सो सबसे पहले हम इसके बेनिफिट नहीं बता रहे, हम सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे हैं कि सबसे पहले हमें टोनर यूज़ करना चाहिए, चाहे फिर वो कोई सा भी टोनर है, रोज टोनर हो, टी ट्री टोनर हो, कुकुम्बर टोनर हो, एनी बॉडी, यू नो, एनी कुकुम्बर टोनर यू कैन यूज़। सो दैट इज, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे कुकुम्बर टोनर, और ये बहुत अफोर्डेबल है, ये मात्र 180 rupees का है, सो गाइज यू कैन अफोर्ड इट, ओके। उसके बाद हम यूज़ करते हैं मॉइस्चराइजर। यू नो, मॉइस्चराइजर
इसका वर्क करता है एलोवेरा जेल। आपको पता है एलोवेरा जेल बहुत सारे वर्क करता है, आपको पता ही होगा एलोवेरा जेल के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या करता है फ़ायदा। अगर आप बिगनर्स हैं और आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं हैं तो ये एक एलोवेरा बहुत सारे काम करता है। बस डिपेंड करता है कि ये आपके स्किन में बहुत अच्छे से वर्क करे, लाइक एलर्जी ना कर दे, इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि हर किसी को ये सूट नहीं करता है। गॉट इट, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर ये है कि ये हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, ये हमारे मॉइस्चराइजर का भी वर्क करता है, ये हमारे प्राइमर का भी वर्क करता है। अब जैसे कि हम एक बहुत लाइट वेटेड अगर हम मेकअप करते हैं तो उसका भी वर्क करता है, ये एज अ मॉइस्चराइजर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये एज अ प्राइमर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जब आप लाइट मेकअप करते हैं, आपको याद रहना चाहिए जब आप लाइट मेकअप करते हैं देन ये वर्क करता है। ऐसे नहीं कि आपने ब्राइटर मेकअप किया और ये मॉइस्चराइजर या फिर प्राइमर के रूप में आप यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं होगा गाइज। ये चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा कि ये प्राइमर हैवी लुक के लिए करता है। सो इसकी कंसिस्टेंसी ये पतंजलि का है और पतंजलि की प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे रहते हैं, आपको पता ही है। सो ये बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है और एलोवेरा के बेनिफिट्स तो आपको पता ही होते हैं कितने बेनिफिट होते हैं बॉडी को लेके। सो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है, चाहे फिर ये मॉइस्चराइजर का वर्क हो या फिर प्राइमर का वर्क हो। आप नाइट में भी इसको लगा के छोड़ देंगे तब भी आपकी स्किन ग्लोई और शाइनी हो जाएगी। एक्चुअली ये मेरे को थोड़ा सा सूट नहीं करता है तो वो डिपेंड ऑन स्किन पे होता है। सो इसका कोई इश्यूज़ नहीं है। सो अगर आपको कोई अफोर्डेबल प्राइमर चाहिए होगा या प्राइमर नहीं भी है आपके पास तो आप इससे भी काम चला सकते हैं। तो ये आपका क्या काम करेगा आपको पता चल गया ना, एक मॉइस्चराइजर का और दूसरा करेगा आपका प्राइमर का। सो गॉट इट। अब ये 100 रुपये का आता है और एक ये प्राइमर है, ये है NYB का, ये भी बहुत 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 अफोर्डेबल है। आप ये भी लगा सकते हैं, आप ये भी लगा सकते हैं, ओके। सो मैं यहाँ लगाती हूँ NYB का क्योंकि थोड़ा सा मेरी स्किन में ये अच्छा नहीं करता है वर्क। पहले मैं यही ट्राई करती थी क्योंकि आई थिंक ये जो नेचुरल चीज़ें होती है वो नेचुरल होती है, उसकी कोई कंपेयर नहीं होती है। तो ये भी ये 15 ml का, 15 ग्राम का है, 15 ग्राम का है ओनली और 225 का है। बट ये मुझे बहुत ज़्यादा प्राइसेबल, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल में मिला था क्योंकि आप पर्पल पे जब शॉपिंग करेंगे तो इस पर बहुत सारे ऑफर चलते होते हैं। आई थिंक ये 150 का आया होगा। सो आप देख सकते हैं ये है। सो आपके पास दो ऑप्शन है, यू नो, एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है। तो आप बहुत अच्छे से आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो रखते हैं हम इनको। ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है यार, ये बटली है एकदम, मैं क्या बताऊँ, एकदम लाइक क्या बोलते हैं, जो आपने इसको मुझे बहुत लगाते हुए देखा है, एकदम स्मूद है, एकदम बहुत स्मूथ, लाइक सिल्क चीज़ होती है ना, एकदम अमेजिंग वर्क करता है ये। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत अफोर्डेबल है NYB का, ये 150 के अराउंड आपको पड़ जाएगा। वैसे इसकी प्राइस है 225, बट ऑफर्स चलते रहते हैं तो ऑफर्स का आप लोग बेनिफिट ज़रूर उठाएगा। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट हमें क्या यूज़ करना चाहिए और क्या प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल हैं। सो आई होप ये आपको अफोर्डेबल ही लगेगा, 150 में कुछ भी नहीं आता है। और मेकअप में अगर आप मेकअप करते हैं तो ये मिड चीज़ है, ज़्यादा बैड भी नहीं है, ज़्यादा गुड भी नहीं है, गुड क्वालिटी की भी नहीं है तो बैड क्वालिटी की भी नहीं है, मिड क्वालिटी की है। तो आप लोग स्किन में कोई वैल्यू, मतलब कोई स्किन में आप समझौता ना करें, सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ करते हैं तो स्किन में तो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हमारी स्किन का वर्क करता है। थोड़ा सा कॉस्टली ले लीजिएगा बट बहुत ठीक रहेगा। तो ये अफोर्डेबल है। नेक्स्ट इसके बाद जो हम यूज़ करते हैं वो है फाउंडेशन, ओके। सो फाउंडेशन में मेरे पास काफ़ी सारे हैं फाउंडेशन, बट अभी मैं आपको अफोर्डेबल ही दिखाऊंगी। वैसे फेसेस कैनेडा का तो बहुत महंगा आता है बट आप छोटे छोटे भी ग्राम में परचेस कर सकते हो। मेरे पास एक ये है सिस ब्यूटी का मॉस फाउंडेशन, ये प्राइमर प्लस है बट यार ये बहुत अच्छा है। सीरियसली मैं तो इसकी
फैन हो गई, और जब भी मैं इससे मेकअप करती हूँ ना, इसकी तारीफें करती नहीं थकती हूँ, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि मैं किसी भी चीज़ का प्रमोशन करने बैठ के यू नो नथिंग एट ऑल। ये मतलब एक्चुअली बहुत सारे आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो बट कहीं ना कहीं आपका कोई फेवरेट बन जाता है, तो दिस इज़ अ फेवरेट वन ऑफ द। ये इसका जीरो, इसका शेड नंबर है 03। ये मेरी स्किन से एक टोन एक्स्ट्रा है, बहुत अच्छा वर्क करता है यार। दिस इज़ अ बटरी, यू नो, बहुत इसकी पैकेजिंग देखिए आप, बट ये थोड़ा सा कॉस्टली नहीं है, मतलब 400 का आता है, और 400 में प्राइमर प्लस है, तो आप क्या लेंगे, यू नो। अगर आप ये वाला प्राइमर लेते हैं 150 का पड़ता है, और ये 400 में आपको पड़ रहा है, तो मैं तो इसको अफोर्डेबल ही बोलूँगी, क्योंकि आपका ये कम से कम पूरा 6 महीने आराम से चल जाएगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में आप इसको यूज़ करेंगे तो ये मैं अफोर्डेबल ही बोलूँगी, क्योंकि इसमें प्राइमर प्लस फाउंडेशन है, ये बहुत अफोर्डेबल है। ये ओनली 400 में है। अब वैसे तो महंगा पड़ता है, लेकिन ऑफर्स चलते रहते हैं तो ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। इसका प्राइस नहीं लिखा है, इसमें 14 ml है नेट वेट, जो इसका वेट है वो 14 ml है। वाओ, अच्छा है, नॉट बैड। स्मूथनेस, सीरियसली बहुत स्मूथनेस देता है, बहुत अच्छी फिनिशिंग देता है, लाइट वेट है, बहुत हल्का, सीरियसली बहुत लाइट वेट है, लॉन्ग वेयर है, कंप्लीट कवरेज, बहुत अच्छी कवरेज देता है गाइस, बहुत अच्छी कवरेज देता है। मैं इसकी फैन हूँ। अगर आप कुछ इस तरीके से तलाश में अफोर्डेबल इसमें आपको प्राइमर मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बेनिफिट वाली बात है। और ये एक है फिट मी फाउंडेशन, ये इसकी भी मैं फैन हो गई। मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा था। कभी कभी होता है आप फर्स्ट टाइम में वो रिजल्ट नहीं देख पाते हो जो आपको दिखना चाहिए, बट मैंने इसको लगातार 2 से 3 बार आई थिंक ट्राई किया, बट ये अमेजिंग वर्क होता है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है, मैंने बहुत बार यूज़ किया, इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत लिक्विड है, तो जब आप इसको लगाते हो, जिस फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी लिक्विड होती है, वो आपके जो स्किन में ना बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है, यू नो। तो ये कहीं ना कहीं वही है। मैंने इससे कई सारे लुक ट्राई किए, मतलब कई सारे नहीं, 2-3 लुक ट्राई किए, बट बहुत अमेजिंग वर्क किया है इसने। सो ये भी बहुत अफोर्डेबल है, ये ओनली 300 में है, 299 और ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए, सबके लिए है। ये 300 का पड़ेगा आपको 299 में, और ये आपको 400 में पड़ेगा। ये प्राइमर प्लस है, ये विदाउट प्राइमर है। सो आपको जो भी अच्छा लगे आप मार्केट में परचेज कर सकते हो। दिस इज द स्विस ब्यूटी फाउंडेशन प्राइमर प्लस, और ये फिट बी का, मैबलिन का फिट भी है, ये तो आपको पता ही है कि ब्रांड, यू नो। सो ये दोनों ब्रांडेड है, ये 300, ये 400, इसमें प्राइमर प्लस है, ये प्राइमर लेस है। यू गॉट इट, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो मेरे को तो ये फेवरेट है, इसको मैं चूज करना चाहूँगी, और इसको ही रिकमेंडेड ज़्यादा करना चाहूँगी, क्योंकि इसमें प्राइमर प्लस है। प्लस इसका जो कोड है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ एक्चुअली, क्योंकि थोड़ा सा तो पता होना चाहिए ना। ये देखो आप, ये मैंने इतू सा लिया, सारे दिखाती हूँ आपको, और यहाँ मैंने लगाया, ठीक है, इसको मैंने रब किया, एकदम फिनिश तो एकदम लाइट वेटेड होता है, अमेजिंग लाइक सी, बहुत अच्छा वर्क करता है। सो बहुत लाइट वेटेड है, एकदम स्मूथ है यार। जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, मैं तो इसकी फ़ैन हो गई थी फर्स्ट टाइम में। एक ऐसा ही प्रोडक्ट है जिसका मैं फर्स्ट टाइम में फ़ैन हुई थी। सो अभी मैं इसका भी एक दिखा देती हूँ आपको, ये भी, ये तो टपके, ये देखो मेल्टी है, ये बहुत ज़्यादा जल्दी मेल्ट हो जाता है, ये एक्चुअली स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, बस लगाने का तरीका आना चाहिए कि देखिए। सो मैं यहाँ पे लगाऊंगी, ये देखिए, ये इसका है फिट मी, और ये तो मुझे तो यही वर्क ज़्यादा अच्छा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अफोर्डेबल की बात हो रही है, तो अफोर्डेबल मुझे यही अच्छा लगा, क्योंकि इस पर ट्विन वन है, तो बेनिफिट उसी का है। सो आप देख सकते हैं ये बहुत फिनिश अच्छा है, क्योंकि एक्चुअली आप लोग बोलते हैं कि इसका रिव्यू दीजिए, उसका रिव्यू दीजिए, तो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट परचेस करने पड़ते हैं, बट जो अच्छा होगा उसी का बोलूँगी ना। सो यहाँ ये चूज़ करूँगी मैं।
आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अच्छा, अफोर्डेबल में एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, चूँकि बेस होता है ओलिविया पैन स्टिक, ओलिविया पैन केक, आपने उसके बारे में सुना ही होगा। सो यहाँ मेरे पास ये भी है, अगर आप बहुत अफोर्डेबल चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपके लिए एक छोटी सी किट बना दूंगी। तो प्राइमर हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं, बहुत अफोर्डेबल लोगों के लिए बता रही हूँ। सो ये हमारे पास एलोवेरा जेल, और ये एक ख़रीद लीजिएगा, फिर आपको कंसीलर, प्राइमर, कंसीलर और फाउंडेशन की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपको ओनली 150 में पड़ेगी, और आप अपने शेड के अकॉर्डिंग इसको चूज़ कर लेना। जब भी आप खरीदो एक शेड आप एक्स्ट्रा खरीद लीजिएगा, ताकि आपके फेस का, अब आप देख लीजिए जैसे कि आपके हैंड होते हैं, तो हैंड का जो कलर होता है आपके कभी कभी फेस से ज़्यादा फेयर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप परचेस कर लीजिएगा। ओलिविया बहुत अफोर्डेबल है, ओनली 150 में आपको एक अच्छा बेस क्लियर हो जाएगा, ना तो आपको कंसीलर की ज़रूरत पड़ेगी, प्राइमर की पड़ेगी, बट ऐसे वैसे किसी भी चीज़ कंट्रोलिंग वगैरह किसी की, कंट्रोल तो अलग चीज़ होती है, बट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कंसीलर की नीड है। एक बहुत अच्छा बेस है ये, और बहुत अफोर्डेबल होता है। आपने बहुत सारे लुक मेरे चेकआउट किए होंगे, अगर नहीं किए तो कर लेना, बहुत सारे हैं। सो इसका भी मैं दिखा देती हूँ, इसको पहले इसको मैंने बहुत सारा फिनिश कर दिया यार, ये बहुत अच्छा वर्क करती है, फिनिश ही होगा एटलीस्ट। मैंने बहुत सारे लुक निकाले हैं क्योंकि बहुत अच्छा रहता है, अफोर्डेबल जो मेकअप होता है ना, सो बहुत अच्छा वर्क करता है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा है, बहुत लॉन्ग वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ चिट चैट। सो ये थोड़ा सा मेरी एक स्किन से कम है, जो कुछ इस तरीके से दिखता है, ये दिख रहा है क्या? मे बी आई थिंक आज हाथ बूढ़ा हो जाएगा एकदम से फेयर। सो देखिए, इसने बड़ा अच्छा वर्क कर दिया यार। बस ये थोड़ी स्मूथ नहीं है, ये स्मूथ है, क्वालिटी के क्वांटिटी और क्वालिटी के अकॉर्डिंग होती हैं चीज़ें। सो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा वर्क करती है ये भी। आपने बहुत सारे मेकअप लुक मेरे देखे होंगे, बस थोड़ा सा लगाने का डिफरेंट तरीके होते हैं। सो आई थिंक अगर आप बहुत अच्छे से इसको ऑब्जर्व कराएंगे, सॉरी वीडियो ब्लेंडर की हेल्प से, तो बहुत अच्छे से मेकअप आपका अच्छे से निकल के आएगा। फिर हम इसके बाद बात करते हैं, अभी हमारे पास तीन हो गए, 1 2 3 सॉरी ये 3। तो अगर आप फाउंडेशन नहीं खरीदना चाहती हैं तो एक 150 रुपीज़ का क्या लेंगे आप, ओलिविया पैन स्टिक ले सकते हैं या ओलिविया पैन केक ले सकते हैं, तो उससे भी आपका बहुत अफोर्डेबल प्राइस में हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, अगर आपको ये नहीं खरीदना है या आपके पास इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ये भी खरीद सकते हैं, और आप इससे भी बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, आई थिंक ऐसा किसी ने एक्सप्लेन भी नहीं किया होगा। इसके बाद हम करते हैं बात जो आएगी, इसके बाद हम करते हैं आईज़ का मेकअप करना है, बहुत अफोर्डेबल चाहिए आपको, तो अफोर्डेबल में ये है पैटर्न बाइल का, बैड एंड बाइल। एक सेकंड मैं आपको एक और दिखाती हूँ, अगर यहाँ पे है, यस ऑफ कोर्स, मेरे जादू के कटारे में बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं, मैंने अफोर्डेबल ही पहले परचेज़ किया था, अभी तो बहुत सारी चीज़ें खरीद ली हैं, बट ये रेफर्स में है अभी भी। देखो ये दो या एक साल से ज़्यादा हो गया है, फिर भी ये रेफर्स में ही पैक होते हैं। सो आप देख सकते हैं ये स्विस ब्यूटी का है, और स्विस ब्यूटी का मैं एक्चुअली आपको अफोर्डेबल दिखा रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैलेट हैं, बट मैं आपको ये दिखाऊंगी क्योंकि आपने ये ज़्यादातर मेरे को मिरर एज अ मिरर यूज़ किए करते हुए देखा है। सो ये भी बहुत अच्छा यार, इसके जो कलर्स होते हैं ना बहुत पिगमेंटेड होते हैं और बहुत ठीक आता है ये। एक्चुअली मुझे प्राइस ये देखिए आप, मैंने कितने इनको, ये वाला तो फिनिश होने वाला है, ऑरेंज वाला आप देख सकते हैं। सो ये मैंने आई थिंक लिया था, याद नहीं है मेरे को एकदम, आई थिंक 400 या 500 का आया होगा ये, आई थिंक 400 का तो आया ही है। सो 400 में आपको इतने पिगमेंटेड कलर मिल जाते हैं, तो आपको क्या बुराई है इसमें, क्या गलत कुछ है ही नहीं, इतने पिगमेंटेड कलर होते हैं। देखो एक स्वाइप में इस तरीके से कुछ दिखता है, सारे स्वाइप लो और फिर देखो क्या गजब,
सो है ना, और ये ओनली 399 में पड़ता है, आई थिंक 400 में आपको इतनी अमेजिंग कलर और सालों साल चलते हैं ये। एक साल एक बार ले लो, 4 साल आराम से चल जाएगा, जो इनकी मैन्युफैक्चर डेट वगैरह होती है, तो बहुत अच्छा वर्क करता है ये ओनली 400 में आता है आपको। सो आप देख सकते हैं, चाहे आप कोई से भी इस पे कलर, अब देखो ये आपको कलरफुल आइज के लिए बहुत बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मैंने भी इसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, तो आप देख सकते हो उसमें वाइट भी है, पिंक भी है, और ये कौन सा कलर है इसको, साइज सी क्या होता है इसको, ब्लू टाइप का होता है हल्का, ये भी कलर बहुत अच्छा है। आप कितने सारे ब्लू, ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, मेहंदी वाला जो होता है, एक ऑरेंज होता है, एक पर्पल होता है, एक ये ब्राउन, और ये कितने सारे कलर्स हैं, यू कैन प्ले विद कलर्स यू नो, सो इट्स अमेजिंग यू नो, अमेजिंग कलर, आई रियली लाइक इट। आप देख सकते हैं अमेजिंग है ना, सो यहाँ पे आप ये भी परचेस कर सकते हैं, और ये स्विस ब्यूटी का है, ये 400 का है, और ये आता है, ये 299 का है, ये 399 का है और ये 299 का है, तो मुझे तो 299 का ही वेट एंड माइल्ड का है, ये भी अच्छा है, बट इसमें कोई कलर आपको नहीं मिलते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ ये कलर मिलते हैं 1, 2, 3, 4, आप देख लीजिएगा, और इसमें आपको 100 रुपीज़ अगर आप एक्स्ट्रा लगाएंगे तो आपको बहुत सारे कलर इसमें से मिल जाते हैं, तो चूज़ आप कर लीजिएगा, अफोर्डेबल ही है कि आप कौन सा ट्राई करना चाहेंगे, ये सो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी ऑफकोर्स ये वाला, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर हैं, सो आप यू कैन प्ले विद कलर्स, आप आइज पे खेल सकते हैं उन कलर के साथ। सो आई होप आप लोगों को कौन सा अफोर्डेबल लगा, ऑफकोर्स ये अफोर्डेबल है, इसमें कितने कलर हैं आप काउंट करिएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, oh my god, 400 में 12 कलर, और दैट इज 300 में 1, 2, 3, 4, oh my god, ओनली 4 कलर, सो आई होप ये ज़्यादा बेस्ट होगा स्विस ब्यूटी का। सो ये भी मेरे काम आता है, इसमें ट्रांजेक्शन कलर है, कुछ रोज बॉन वाले कलर हैं, तो ये भी मैं थोड़ा सा फ़ायदा इसका उठा लेती हूँ, बट मैंने स्टार्टिंग में वही मंगाया था अफोर्डेबल प्राइस वाला। आई होप आप लोगों को ये वाला लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे 12 कलर हैं। इसके बाद हम आते हैं, कितना अफोर्डेबल दिखा दिया मैंने आपको, देखिए कितना पिगमेंटेड है, सीरियसली देखिए आप, बहुत पिगमेंटेड है, मैंने बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ किया है, मैं थोड़ी सी लेजी हूँ ना कि मुझे वॉश करना पड़ेगा, सो दैट्स व्हाई। अब हम आते हैं मस्कारा, तो मस्कारा ये आप देख सकते हैं, ये है बेला बॉस्टी, बहुत अच्छा है यार, बहुत अफोर्डेबल ही है, इसकी प्राइस नहीं लिखी है, आई थिंक यस ऑफकोर्स मैं बताती हूँ एक मिनट यार, उसकी प्राइस नहीं थी, बस मैन्युफैक्चर डेट था, तो पता नहीं कितने का था, कितना है, लेकिन आप इसको कोड में देखिए यार, ये इतना अच्छा वर्क करता है, ये आई थिंक 180 के अराउंड होगा, इससे ज़्यादा महंगा नहीं है, ये बहुत अच्छा वर्क करता है, ये मैं बोलती रहती ना बेला बोस्ट नहीं बोलती हूँ मैं, कुछ और तो इसका नाम दे देती हूँ, सो आप देख सकते हैं कुछ बहुत इस तरीके से दिखता है, और ओनली 180 में आप क्या लेंगे, अगर 2 से 3 कोड आप लगाते हैं तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा, मैंने अभी ये ना यही लगा के बैठी हूँ, सो ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है, और बहुत 200 रुपये में क्या आता है, आपकी आईज जो फेक लेसेस की नीड है वो नहीं होगी, ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है यार गाइस, जब से मैंने इसको परचेस किया है ना मैं इसकी फ़ैन हो गई हूँ, क्योंकि 2 से 3 कोड में आपकी पलकें बहुत अच्छी दिखने लगती हैं, सो ये ज़रूर खरीद लीजिएगा, और मैं आपको अफोर्डेबल प्राइस में बताती हूँ, यस कंसीलर ये डार्लिंग इसाबेला के है, और एक मेरे पास और भी कंसीलर है वो आपको लेके आती हूँ, सो यस ये है यार, ये वेट एंड माइल्ड का है, और ये डार्लिंग इसाबेला, तो ये डार्लिंग इसाबेला के मैंने लिया था
225 रुपीस और ये मैंने लिया था 195। सो 225 एंड 195 और हमें इसमें मिलता है, क्वांटिटी नहीं लिखी है इसमें बट ये दोनों आपको ना किसमें मिलेंगे, एकदम प्राइस लेस मिलेंगे, मतलब प्राइस लेस तो नहीं बट ऑफर में मिल जाएंगे, तो 50-50 रुपीस कम मिलेंगे। ये देखो आप इसकी साइज देखिए आप दोनों की। सो वर्क कौन सा अच्छा करता है, वर्क ये भी अच्छा करता है बैटरी वाइट और डार्लिंग इसा मेला की भी बहुत अच्छा वर्क करता है, तो मैं इनमें से चूज नहीं कर पा रही हूँ कौन सा अच्छा है, बट मुझे थोड़ा सा डार्लिंग इसा मेला का बहुत पसंद आया तो मैं इसको सजेस्ट करूँगी। बट 225 का नहीं, 225 का नहीं है ये, ये भी अफोर्डेबल प्राइस में ही मिल जाता है, 200 या फिर 180 के अराउंड मिल जाता है ये, क्योंकि ये एक्चुअली ऑफर्स चलते रहते हैं पर्पल पे, तो आप देख सकते हैं। एक कोड मैं इसका दिखाती हूँ, इस तरीके का एक कोड इसका दिखता है। सो वाओ, ऑफ कोर्स इसाबेला, तो ऑफकोर्स ये वाला मैं कहूँगी, क्योंकि आप थोड़ा सा 10 या 20 रुपीज़ में ये बस सोचिएगा कि बस ये सस्ता है और वो, लेकिन आप थोड़ा सा उस पर भी जाइए कि क्वालिटी क्या है इसकी, तो मैं तो बस आपको यही रिकमेंडेड करूँगी कि ये वाला ऑफकोर्स ये वाला। इसका मेरी जो फेस, मेरा कलर है आप देख सकते हैं मेरे कलर के अकॉर्डिंग 01 इसका शेड नंबर है, और इसका शेड नंबर बेचारा कहाँ गया, छूट गया, इसका कोई शेड नंबर नहीं है, इसका कोई शेड नंबर नहीं दिख रहा मुझे। सो ऑफ कोर्स मैं ये वाला चूज करूंगी जैसे कि आप देख सकते हैं, और बहुत अच्छा वर्क करता है यार, मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था, इसको भी मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया था और अभी भी है, तो काफी सारे प्रोडक्ट मेरे पास रखे रहते हैं क्योंकि मैं बदल बदल के चेंज करती हूँ तो बहुत सारा हो जाता है। सो अभी हमने कंसीलर भी ट्राई कर लिया, अब हम यूज़ करेंगे हाइलाइटर, ठीक है ना, तो हाइलाइटर सॉरी कंटूरिंग, अभी हमें कंटूरिंग यूज़ करनी है। सो ये भी NYV की कंटूरिंग है, अभी मैंने एक कंटूर पैलेट मंगाया है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। सो ये है कंटूरिंग और ये NYV का कंटूर है, बहुत अमेजिंग कंटूर है डियर, बहुत अमेजिंग गाइस, आप इसको देखेंगे ना, आपने मेरे को बहुत लगाते हुए देखा है, आप ये पूरा फिनिश होने वाला है, इसकी जान निकाल दी मैंने इतना मैंने इसको यूज़ कर लिया है, आप देख सकते हैं। सो यार इट इज़ अमेजिंग और ये मात्र 150 के अराउंड होगा, 150 के अराउंड है, मेरे को इसको 6 मंथ हो गए और मैं इसको रेगुलर यूज़ करती हूँ। कभी कभी थोड़ा सा मन किया था चेंज करने का, बट मैंने ये मंगाया था रेवोल्यूशन की जो पैलेट है, ये तो थोड़ी महंगी है, ये 1100-1200 रुपये का है, सो 1350 इस पर पड़ा है, 1350 इस पर पड़ा है, बट ऑफर पे मुझे ये 1100-1200 का पड़ा होगा, बट अगर इसकी कंपेयर में मैं अगर ये बोलूँ तो मैं ये बताऊँगी, क्योंकि ये एक्चुअली ड्राई वाला है बट इतना अच्छा वर्क नहीं करता है जितना ये NYV का करता है। कभी कभी क्या होता है, डजंट मैटर चाहे आप कितना भी सस्ता और महंगा ले लें, बट कभी कभी सस्ता भी बहुत अच्छा वर्क कर जाता है। सो मैं हाईली रिकमेंडेड करूँगी NYV का जो ये लिक्विड वाला है, जो ये लिक्विड वाला, ऑफकोर्स लिक्विड वाला है, सो ये स्टिक है, आप यूज़ कर सकते हो बजाय इसके, 1100 रुपये इसमें नहीं डालने हैं, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा एक्चुअली मैं एक बार में किसी को भी जज नहीं करती हूँ चाहे वो कोई भी चीज़ हो, बट यहाँ मैंने 4 से 5 बार लगा लिया, फिर भी मैं अभी इसको नहीं इतना रिग्रेट नहीं होंगी, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि मुझे शायद तरीका नहीं आता होगा इसको लगाने का, बट फिर शिट। सो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप यही खरीदिएगा, ना कि आप ये 1200-1300 रुपये इसमें डालना है, आपको इसमें डालना है। आई एग्री कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं आपको, सो हाईली रिकमेंडेड मैं यही करूँगी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ इसके बारे में, क्योंकि रिव्यू तो दे दिया था बट मैंने हॉल दिखाया था, बट इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कॉन्टूरिंग है ना, तो यार ये मुझे बिल्कुल ठीक ठाक नहीं लगा, क्योंकि इसकी
पता नहीं, आप देखो इसको, देख सकते हो स्वाइप तो ठीक है, पर ये पता नहीं वर्क नहीं करता यार, सीरियसली अच्छा वर्क कर रहा है, बट ये शायद मैं ही अभी लगाना नहीं सीखी होंगी ड्राई वाला। तो यहाँ पे हमें 1100 या 1200 में मुझे तीन चीज़ें मिली हैं इसमें, एक तो कॉन्टूरिंग है और ये ब्लश है और ये हाइलाइटर है। तो मुझे तो बस इसमें से ये वाला हाइलाइटर ज़्यादा पसंद आया, बट 1100 रुपये का मुझे एक हाईलाइटर पड़ा है। अगर मुझे ये वाली चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो मुझे 1100 का एक हाईलाइटर पड़ा है, आप देख सकते। सो आई थिंक मुझे तो इसके कंपेयर में यही खरीदेंगे। अगर कॉन्टोरिंग अलग से आपको खरीदना है तो NYV का 150 रुपीज में यही खरीदेंगे आप, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और मैं आपको इसको दिखा भी देती हूँ कि इसको हम देखिए, बस स्लाइटली मैंने किया है, आप देख सकते हैं। और इसको मैं हमेशा यूज करती हूँ अपनी वीडियोज में, क्योंकि यार जो चीज़ पता नहीं मुझे अच्छी लग जाती है वो मैं कर ही लेती हूँ, बस थोड़ा सा चेंज करके दिखा देती हूँ, अदरवाइज मुझे वही पसंद होता है। आप इसकी कवरेज देखिए, वही की वही उसने अच्छे से कंट्रोल कर दिया है। सो आप देख सकते ओनली 150 में कितना अच्छा वर्क कर रहा है। डजेंट मैटर कि आप ये रेवोल्यूशन का है और ये NYV का है, तो मैं कंपेयर नहीं कर रही, बट अफोर्डेबल प्रोडक्ट में अगर देखा जाए तो दिस इज द वेरी बेस्ट, यू नो। सो आई विल रिकमेंड इट यू दिस। सो यहाँ तक आई होप यू क्लियर हो गए आप लोग सब, मैम इंक्लूडिंग मी। अब हम बात करेंगे आई शेडो की, हमने कर ली है। सो अब हम बात करेंगे अफोर्डेबल हाइलाइटर्स की। अफोर्डेबल हाइलाइटर, सो हमें कौन सा हाइलाइटर चाहिए, और ये भी अगेन स्विस ब्यूटी का है, क्योंकि मैं स्विस ब्यूटी के यार बहुत सारे प्रोडक्ट आई थिंक बहुत सारे परचेज कर लिए मैंने, मुझे खुद को होश नहीं है कि मैंने कितना सारा परचेज कर लिया यार। सो माई गॉड, जब से खैर हाइलाइटर तो मैंने बोला ना इसका मुझे बहुत अच्छा लगा, एक ये वाला शेड जो है वाइट वाला, जब से इसको लगाया, क्योंकि ये 3-in-1 है तो मैं इसको थोड़ा सा कमी छेड़ती हूँ, बट आप देख सकते हो स्विस ब्यूटी का जिस तरीके से भर भर के आए थे उसी तरीके से भर भर के ये है। और मुझे इसमें से ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, बट मुझे केवल एक शेड ही पसंद आया है, वो ये है। ये मैं हमेशा ये वाला शेड लगाती थी जो डार्क गोल्डन है, ये मुझे पड़ा था 399, बोले तो 400 में पड़ा है। तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं है, अगर आप इंडिविजुअली एक लेते हैं, एक परचेस करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको दिखाए कई सारे जाते हैं बट उसमें से एक ही बेटर होता है। तो इससे अच्छा है कि आप इंडिविजुअली एक खरीद लीजिएगा, वो बहुत अच्छा रहेगा। सो आप देख सकते हैं, और इसका आप पिगमेंटेशन भी देखेंगे, ये मेरा फेवरेट है ये वाला जो शेड है ना, आप देख सकते हैं, है ना मस्त। मैं ये लिक्विड वाले हैं और इसमें कई सारे शेड हैं जिनको मैंने छेड़ा भी नहीं है अभी तक, आप देख सकते हैं। ये भी है, पता नहीं आप देख लीजिएगा कौन सा अच्छा लग रहा है आपको। सो मुझे तो बस ये वाला पसंद आया, ये वाला शेड है जो अगर 400 में आपको ये पड़ रहा है तो ठीक नहीं है, 200-300 में भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वो खरीद लीजिएगा, बट ये अफोर्डेबल ही है वैसे तो। बहुत सारे आपको अफोर्डेबल में भी बहुत सारे कलर मिल जाते हैं 400 में, 1, 2, 3, 4, 5 कलर है आपको 400 में, 4-5 कलर मिल रहे हैं। इसको देखो, ये लिक्विड है ना एक्चुअली, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो आई थिंक दिस इज़ द बेटर, यू नो, क्योंकि आपको ये थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, इसमें कॉन्टोरिंग ब्लश और ये सारी चीज़ें हैं, तो हम चाहते हैं कि अफोर्डेबल हो, लेकिन ये थोड़ा सा मेरे लिए ठीक नहीं है, तो ये मेरे को ज़्यादा बेस्ट है। ये 400 में अगर आपको 5 कलर मिलते हैं तो दिस इज़ अमेजिंग। बस चूज़ करने पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कौन से कलर लगाना चाहते हैं, बट होता ना कि आपको 4-5 कलेक्शन होता है बट आपको उसमें से एक ही चीज़ पसंद आती है, आई होप कुछ इस तरीके से हो। तो आप देख सकते हैं, मुझे तो बस ये वाला फेवरेट लगता है, कभी कभी मैं पिंकिश वाला भी वाइट वाला लगा लेती हूँ,
बट ये वाला मेरा फेवरेट है, जो वन ऑफ द टॉप ऑफ द वन. सो ये भी अफोर्डेबल ही है. स्विस ब्यूटी के सारे प्रोडक्ट्स इनफैक्ट अफोर्डेबल ही होते हैं. अब हम बात करेंगे ब्लश की. तो ब्लश आप खरीदना चाहें तो खरीदें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है. मैं आपको बता दूँगी कि जो ये मैंने पैलेट दिखाई थी ना, जो मैंने पैलेट दिखाई थी, और या आपके पास कोई लिपस्टिक हो पिंक कलर की, तो आप उसको भी एज अ ब्लश यूज़ कर सकते हैं. क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे DIY होते हैं. क्या यार, आप एक शादी या फंक्शन के लिए क्या ब्लश खरीदोगे? तो जैसे कि जो पिंक कलर है, मैं इसको बहुत एज अ ब्लश यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छा वर्क करता है एज अ ब्लश. तो मैं यहाँ से ब्लश यूज़ करती हूँ, और एक मैं यहाँ से, ये स्विस ब्यूटी का ही है, और एक मैं यहाँ से ब्लश यूज़ करती हूँ. तो जो ये जो फोर है ना ब्लश वाले, इससे ज़्यादा मुझे ये जो पिंक वाला है ब्लश है ना, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है. सो आप देखिएगा, आप चूज़ कर सकते हैं. तो मुझे ये जो पिंक वाला है, ये अच्छा रिजल्ट देता है इससे. तो आप देख सकते हैं कि आपको एक ही पैलेट में ब्लश कॉन्टोरिंग भी कर सकते हैं. बट कॉन्टोर के लिए मैंने जो आपको NYV का बताया था ना, वो बहुत अमेजिंग है, ओनली 150 में. सो आप देख सकते हैं आपको चूज़ कौन सा करना है, ये वाला ये वाला. मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप एक पैलेट से आप अमेजिंग तरीके से ब्लश भी कर सकते हो. पैसे क्यों खर्च करने हैं, क्योंकि अब हम यूट्यूबर हैं तो हमको बहुत सारा कुछ अलग 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 चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं. तो मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूँगी ये, क्योंकि ये बहुत सारे 3-in-1, 4-in-1 आपको वर्क करके मिल जाएंगे. तो मैं इसको अच्छे से पैक कर दूँगी, क्योंकि यार पैकेजिंग मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ कुछ नई नई चीज़ें, या फिर वही रिपीट करती हूँ ताकि जिसने सुना नहीं हो वो भी सुन लीजिएगा. बाकी ये रेवोल्यूशन की पैलेट आपको पता ही है. तो मैंने आपको पैलेट के बारे में पहले ही बता दिया था कि कौन सी आपको पैलेट यूज़ करनी है, और मैंने आपको हाईलाइटर के लिए भी बता दिया है कि स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर बहुत अमेजिंग है. इसके बाद हम आते हैं गाइज, मैं यहाँ बात करूँगी अब लाइनर की, जो कि मैंने लगाया है. और लाइनर तो यार हमारी जान होता है, लाइक लड़कियों की आँखों का, है ना. तो मेरे पास एक ड्राई लाइनर है जो कि मैक का है, MAC ब्लैक, काजल ब्लैक. और ये लाइनर का भी बहुत अच्छा वर्क करता है. आप इसका एक स्ट्रोक लगाएंगे, और ये एक्चुअली मुझे एक उसमें मिले थे, जिसे आप देख सकते हैं. सो ये मुझे मिले थे, एक मैंने परचेस किया था, ऑनलाइन ही परचेस किया था. तो ये भी बहुत अफोर्डेबल थे, मतलब आई थिंक 300 में मुझे 7 मिल गए थे. सो ये भी बहुत अच्छा है मैक का. और अगर इससे भी काम ना चले, ये लाइनर का भी वर्क करता है और काजल का भी वर्क करता है, ये दो वर्क करता है. बाकी अगर आप अफोर्डेबल, कोई बहुत अफोर्डेबल ढूंढ रहे हो लाइनर, और आप एक्सपर्ट हैं लिक्विड लाइनर लगाने में, तो आप देख सकते हैं इसका एप्लीकेटर बहुत अच्छा वर्क करता है. इसको मैं लगाती हूँ, Day 1 से मैं लगाती आई हूँ. इनफैक्ट मैं चाहती तो बहुत सारे परचेस कर लेती, लेकिन ये मेरा फेवरेट है. और ये ब्लू हेवन का ओनली 50 रुपीज़ में आता है, ओनली 50 रुपीज़ में. और बहुत अच्छा है, जो कि मैं लगा के बैठूँगा. आप देख सकते हैं, सो अमेजिंग वर्क है ये, और बहुत अच्छा गाइस वर्क करता है. आप कह ही नहीं सकते कि मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का लगाया. है ना, तो मैं ये ज़रूर लगाती हूँ. ब्लू हेवन का बहुत 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 अफोर्डेबल है. और यहाँ पे मेरे पास आईलाइनर है 7 सीज़ का, ये भी बहुत अच्छा है. ये भी 50 या 60 रुपीज़ का है. ये ग्रीन है, और ये भी बहुत अमेजिंग है. सो मैं थोड़े से अफोर्डेबल ही, कभी कभी बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि मैं सारी ब्रांडेड खरीदती हूँ. जहाँ पे मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं परचेज़ कर लेती हूँ. तो आप लोग देख लीजिएगा, ये आपको 300 में कम से कम 7 पड़ेंगे, और ये आपको 50 रुपीज़ में पड़ेगा. तो ऑफकोर्स आप ब्लू हेवन का ही चूज़ करिए. बहुत अच्छा ब्रांड, बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत बुरा भी नहीं है. बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं कि ब्रांड, बहुत बड़े बड़े ब्रांड अगर अपन खरीद लेते हैं. तो अभी देखो, जैसे कि मैं रेवोल्यूशन का पैलेट खरीद के बैठ गई 3-in-1 वाला, वो मुझे 1200 या 1100 का पड़ा है. तो नहीं अच्छा काम कर रहा है ना, उसने अच्छा वर्क नहीं किया. बट जो वर्क हमें 50 रुपीज़ का वर्क कर सकता है, तो हमें 500 रुपये क्यों खर्च करने हैं? हमें तो अफोर्डेबल में ही काम चला लेना है ना. सो
सो ऑफकोर्स हम स्टार्टिंग में बिगनर्स हैं, तो ऑफकोर्स हमें अफोर्डेबल में ही वर्क चलाना चाहिए, क्यों नहीं, है ना। मैं भी चलाती हूँ यार। सो और भी हैं बहुत सारी चीज़ें। और हाँ, सबसे खास बात ये है कि आपके पास ब्लेंडर है या नहीं है। ब्यूटी ब्लेंडर ये बहुत छोटा है, और अगर आप इसको पानी में डब कर देंगे तो इसका जो साइज है वो इतना बड़ा हो जाएगा। इसको सही यूज़ करने का तरीका है पानी में, इसको आप लीजिए और जो पानी होता है ना, एक बाउल लीजिएगा, एक कटोरी लीजिएगा छोटी सी, आप उसको इसमें टप कर दीजिएगा और एक सेकंड, मतलब एक आधा मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, ये इतना बड़ा हो जाएगा। फिर इसको प्रेस करके इसका सारा पानी निकाल देना है। फिर चाहे जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करें, लाइक आप फाउंडेशन को ही यूज़ कर रहे हैं तो इससे ही करें, डैप डैप करके बहुत अच्छे से डैप करेंगे, बहुत अच्छे से लुक आ जाने वाला है। जितना भी आपका फाउंडेशन है, जितना भी आपका मेकअप है, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करवा देगा। कुछ इस तरीके से आपको करना है इसमें, ऐसे। मुझे तो बहुत नींद जैसी आने लगती है जब ये इसका वर्क करती हूँ, और डैप 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 करके कराना है, ठीक है ना। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। और बाकी मेरे पास ये और कितने का है पता है, ये मात्र आई थिंक 150 में या 200 में जब मुझे तीन मिले थे, ये अभी मेरे पास दो और हैं, अभी मैंने उनको यूज़ नहीं किया है। सो आपको क्या प्रॉब्लम है भाई, जब तीन मिल रहे हैं वो भी 200 या 150 में, तो क्या प्रॉब्लम, क्या है, ये हमारे सालों साल चलेंगे, इनका कुछ भी नहीं होना है, बहुत अमेजिंग है। तो मैंने ये खरीद लिया और बहुत अच्छा वर्क करता है। इनफैक्ट जब इसको मैं डैप डैप करके करती हूँ ना, तो मुझे नींद आने लगती है, जैसे कि अभी भी आ रही है। और ये मैंने ख़रीदा था, ये 299 का था, बट एक पीस ख़रीदोगे तो आपका चार्ज लग जाता है। ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है, ऑब्जर्व के लिए बहुत स्मूथ चलता है। आप देखो इसको, इसकी तो तारीफ करती ही रहती हूँ मैं। सो आप देख लो, ये आपको 300 में एक पड़ेगा और ये आपको 200 में तीन पड़ने वाले हैं। सो आप देख लो, किससे, इससे भी बहुत अच्छा मेकअप हो जाता है और इससे भी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है। सो आप देख लीजिएगा आपके लिए क्या है, क्योंकि ब्रश भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ ऑफ दिस, दिस और दैट, दैट और दिस। सो ब्ला ब्ला, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल विच इज़ द अमेजिंग फॉर, विच इज़ द गुड फॉर योर स्किन। आई होप, मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा वर्क करता है। डजंट मैटर कि ये महंगा और सस्ता, लेकिन ये बहुत अच्छा वर्क करता है। सो गाइज, आप लोग ये ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे पास और काफ़ी है, लेकिन मैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं दिखा दूँगी, अदरवाइज तो भी मेरे पास वही रखे हैं। सो आप ये चूज कर। गाइज, मैं अब बात करूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर की, जो कि मैं जब से अभी मैंने चैनल स्टार्ट किया है, मैं NYV का यूज़ करती हूँ। NYV के प्रोडक्ट्स ऐसा नहीं है कि महंगे हैं या सस्ते हैं, अफोर्डेबल हैं, ब्ला, बट ये बहुत अच्छा वर्क करता है गाइस, यकीन मानिए यार। तो मैं इसकी फ़ैन हूँ। अब आप बोलेंगे हर चीज़ की आप फ़ैन हैं, तो ऑफकोर्स यार, जब मुझे अभी ये मैं यूज़ कर रही हूँ तो ऑफकोर्स इसकी फ़ैन हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा वर्क करता है। सो आप NYV का ये भी बहुत अफोर्डेबल है, आप खरीद सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्पेंड कर दिए लगा लगा के, आप देख लो। क्योंकि अगर ये मुझे अच्छा वर्क नहीं करता, ऑफकोर्स आई विल चेंज इट, मैं ऑफकोर्स इसको चेंज कर देती, बट बहुत अच्छा वर्क कर रहा है तो वाई आई विल चेंज। सो दिस इज़ द NYV, अमेजिंग वर्क करता है और बहुत ज़रूरी है इसको। अभी तो मैंने केवल प्रोडक्ट्स आपको अफोर्डेबल और ये वो बताया है, और अभी मैं बताऊँगी कौन सा प्रोडक्ट हमें कब यूज़ करना चाहिए, उसके बाद क्या यूज़ करना चाहिए, उसके बाद हमें क्या यूज़ करना चाहिए। सो दिस इज़ द लीचेंट वेट वेट फॉर इट डेरी कॉम्पैक्ट SPF 40, इसका SPF 40 है, और जॉयस सिल्की बीन लुक फॉर, ऑफकोर्स बहुत सिल्की, बहुत अच्छा वर्क करता है ये आपका। इसमें ये 150 रुपीज़ का है ओनली यार, 150 रुपीज़ में आपको क्या मिलता है, 150 रुपीज़ में आपको कोई पाउडर भी नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो वो आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होगा। सो NYV की प्रोडक्ट्स बहुत सारे काफ़ी हैं मेरे पास, इनफैक्ट मुझे तो नहीं पता था इतने NYV के प्रोडक्ट्स हैं। सो मैं हाईली रिकमेंडेड ये वाला करूँगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, और फिर मैं यहाँ यूज़ करूँगी फिर मैं फिर दोबारा से एक NYV का प्रोडक्ट्स है। आप देख सकते हैं ये मेकअप सेटिंग स्प्रे है, और एक्चुअली जब मैंने इसको मंगाया था ना, तो यार इसका जो ये
ये पफ होता है ना, ये बहुत खराब आ गया। आप देखो कितना पानी डाल देता है, इतना अगर फेस पे डाल देंगे तो मेकअप धुल जाएगा भाई। सो ये बहुत अच्छा वर्क करता है बाकी तो, लेकिन ये एकदम से पंप इसका जो था ना, ये बहुत ख़राब आया था। बाकी तो स्मेल बहुत अच्छी है और अमेजिंग है ना, बट ये इसका पंप है ना, तो इस पंप की वजह से मैंने देखो इसको इतना ही स्पेंड कर पाया है, अदरवाइज पूरा ख़त्म हो जाता है ये पंप की वजह से। क्योंकि मैं इसको एक्चुअली इस पर ऐसे लेती हूँ ना, आप देखिएगा, हाँ अभी तो थोड़ा बहुत अच्छा है, पर वाओ नॉट बैड, देखो तो सही। देखो पूरा का पूरा पानी छिड़क दिया, देखो आप देख सकते हो। सो ऐसे नहीं होता है, इसका ये पंप थोड़ा सा खराब है, मैंने यूज कर लिया। सो इसका पंप थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा, थोड़ा सा वैसा है, बट इसकी प्राइस है, मैं आपको बता देती हूँ, इसकी प्राइस 199, मतलब 200 में। यार एक मेकअप फिक्सर आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम क्या है, अच्छा है ना। एन वाई बी के प्रोडक्ट्स वैसे भी अफोर्डेबल ही होते हैं, तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा वर्क करता है एन वाई बी का। सो आप ये खरीद लीजिएगा, ये ओनली 199, इट्स मीन 200 का है। और जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे आप शॉपिंग करते हो, तो अगर आप 500 से ऊपर की चीज़ें लेते हो, तो उसकी जो शिपिंग चार्ज होता है वो एकदम फ्री होता है, एब्सोल्युटली फ्री होता है। सो आप गो एंड परचेज। अच्छा मैंने एक अभी एक बात बताई थी आपको, जो कि मैं अभी आपको बता रही थी मस्कारा के बारे में। तो ऐसे मैं ब्लू हेवन से लेके हाई क्वालिटी रिवोल्यूशन से लेके ब्लू हेवन से लेके फेसेस कैनेडा, मैं सारे ब्रांड यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत हैवी ब्रांड यूज़ करती हूँ, नो, मैं लो से लेके हाई और हाई से लेके लो तक मैं सारे करती हूँ, क्योंकि सारे करते रहना चाहिए, इसके बारे में आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाती है। बट बेला बॉस्टे अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैंने एक ब्लू हेवन का भी लिया था मस्कारा, बट यार इसने बहुत अच्छा वर्क तो नहीं किया। देखो आप देख सकते हो, सो इसने अच्छा सा वर्क नहीं किया है। तो मुझे लाइनर ज़्यादा अच्छा लगा मस्कारा से। सो आप देख सकते हैं, ये पड़ा था मुझे, इसमें 6.5 ml है, और आई थिंक ये मुझे 50 or 60 rupees में पड़ा होगा। तो मैंने लोकल मार्केट से ये परचेस किया था, बट इसने इतना अच्छा वर्क नहीं किया जितना कि मुझे लाइनर वर्क करके देता है। क्योंकि मान लो अगर ये वर्क अच्छा करता तो शायद मैं ये वाला वॉशडे का यूज़ नहीं करती, तो इसने इतना अच्छा वर्क नहीं किया, आप देख सकते हैं। और 50-60 rupees में आप ले भी कह सकते हैं, बट ये 50-60 rupees में अमेजिंग है, आप देख सकते हैं। सो यहाँ हमारे प्रोडक्ट्स हो गए हैं कंप्लीट, और अब हम आते हैं अपने ब्रश पे, क्योंकि ब्रश भी कौन से अफोर्डेबल होते हैं, कौन से अफोर्डेबल नहीं होते हैं। और एक मेरे पास ये अफोर्डेबल फेसेस कनाडा का तो अफोर्डेबल हो ही नहीं सकता, बट आप देखिए ये भी फाउंडेशन बहुत अच्छा है, आप देखिए मैंने ये लिया है फेसेस कनाडा वेट लेस मैट फिनिश फाउंडेशन एंटी एजिंग नेचुरल एक्सट्रैक्ट, 18 ml का है, और ये जरा सा है 200 का, 18 ml का। और फेसेस कनाडा का आपका तो पता ही है कैसा ब्रांड है, बट जिस तरीके से ये ब्रांड है उस तरीके से इसने ये वाला वर्क नहीं किया है। आप देखना इसका कोट होगी, मैं ये भी देखना, बहुत बहुत लिक्विडी है, मतलब जो लिक्विड होते हैं वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो पाते हैं, यू नो अपनी स्किन पे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो जाते हैं। लाइक देखो मैं इसको लूँगी, आप देखिए तो ये भी बहुत अच्छा वर्क किया है इसने भी, ये भी चिपचिप नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रैकी पैची नहीं है, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो गया है। ऑब्जर्व तो एटलीस्ट ये हो ही जाते हैं, क्योंकि ये बहुत लिक्विड ही होते हैं, इनकी जो कंसिस्टेंसी होती है बहुत लिक्विड होती है, बहुत थिक नहीं होती है, बहुत लिक्विड होती है, तो ये स्किन में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो पाता है, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो रहा है। सो आप देख सकते हैं, तो यहाँ मैंने एक अफोर्डेबल ये भी बताया कि अगर आपको छोटा सा कोई पैक चाहिए होगा 18 ml का, तो ये आपको पड़ जाएगा 200 में, तो ये भी एक अफोर्डेबल ही आपके लिए फाउंडेशन हो गया है। बाकी मैंने फाउंडेशन की तो आपको गिनती लगवा ही दी है कि कितने सारे बता दिए मैंने आपको, अफोर्डेबल भी है और कॉस्टली भी है,
तो अब हम आते हैं, काजल का हमारा हो गया, अब हम आते हैं ब्रश पे, क्योंकि ब्रश का भी अच्छा खासा कलेक्शन हमारे पास होना चाहिए। और ब्रश में तो आप बैगा, मैं तो वेगा के ही यूज़ करती हूँ। ये वेगा के ब्रश ना बहुत अच्छे होते हैं यार, है ना। अभी तो मैंने ज़्यादा तक खरीदी नहीं है, बस मैंने ये पता नहीं कब खरीदा था, आई थिंक मुझे याद नहीं है मैंने इसको कब खरीदा था, बट वाओ कितना फ्लॉपी है यार। मतलब ब्रश की तो, ब्रश तो जान ही होते हैं ना, अमेजिंग नींद जैसा आ जाता है। सो ये भी देखिए आप, बहुत अच्छा वर्क करता है, जैसे कि आपके फॉलोआउट वगैरह हो गया हो ना, मतलब जो भी आप ग्लिटर वगैरह यूज़ करते हो। सो आप देखो तो अफोर्डेबल क्या है, मैं केवल वेगा के ही यूज़ करती हूँ। वेगा के तो इनफैक्ट महंगे आते हैं, और महंगे आते हैं बट ये वर्क बहुत अच्छा करते हैं, आपके लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। ये नहीं है कि आप आज लाए और कल टूट जाने जैसे सिस्टम नहीं होता है इनमें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप देख सकते हैं और भी हैं कई सारे मेरे पास, छोटे 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 छुप जाते हैं, मैं इनको बहुत सारे यार, ये थोड़े से कॉस्टली है, और भी रखे हैं लेकिन ये थोड़े से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये मैं ब्लश के लिए यूज़ करती हूँ, ब्लश क्योंकि इसको DIY बना लेती हूँ, इस पर पिनअप्स करके इसको मैं छोटा सा जो भी कोड देना होता है इसको यूज़ करती हूँ। इसको मैं क्रीज एरिया पे लगाने के काम भी करती हूँ, हाईलाइटर भी लगाने के काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि एक ब्रश को आप बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं, बस आपको आना चाहिए यूज़ करना। और वैसे इस पे लिखा भी होता है कि आई शेडो, दिस इज़ द आई शेडो। अभी यहाँ पे लिखा भी रहता है ब्रश के ऊपर कि आपको यूज़ नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा। अभी लिप लाइनर, गॉड ये लिप लाइनर है, आप लिप पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, वाओ। सो ये आप लिप लाइनर, और मैं यहाँ आई लाइनर का वर्क करती हूँ उसके साथ, वाओ। सो ठीक है ना, आप अगर लिप लाइनर लगाना चाहते हैं तो इससे लिप लाइनर भी कर सकते हैं, आई लाइनर लगाना चाहते हैं तो आई लाइनर भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ जो लेसेस एरिया जो लाइन होती है ना वो यूज़ करती हूँ, और ये है हमारा, ये तो ब्लश है तो मैं इसको ब्लश और हाइलाइटर की ही यूज़ कर लेती हूँ, बट कुछ इस तरीके से ब्रश होते हैं वो हाइलाइटर वगैरह के, इस तरीके से कुछ होते हैं, तो मैं इनमें इसमें क्या है पिन लगा लेती हूँ, तो थोड़ा सा ये DIY हो जाता है। तो आपके पास भी अगर इस तरीके से कुछ आइडिया हो तो आप कर सकते हैं, देखो आप। सो मैं यहाँ पे पिन लगा के कुछ इस तरीके से करके फिर ऐसे 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 करके लगा लेती हूँ, थोड़ा सा DIY बना के। अब ये है हमारा आई शेडो, यू नो आई शेडो, अभी मैंने बोला था ना आई शेडो, ऐसे ऐसे करके लगाती हूँ मैं इससे, और मैं इससे हाइलाइटर भी लगा लेती हूँ, क्योंकि जो ये हमारे नॉस्ट्रल है ना इसमें ये अच्छे से नहीं, अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। सो मैं यहाँ अच्छे से नॉस्ट्रल पे या फिर ये चिन एरिया जो होता है, ये एरिया होता है, तो मैं यहाँ पे अच्छे से लगा लेती हूँ, ठीक है ना। अब हमारा आता है, ये है लिप फिलर, ये सारे लिप फिलर वगैरह ही आ गए। अब आपने कोई लिपस्टिक ली है, और पता है ब्रश से है ना लिपस्टिक बहुत अच्छे से लग जाती है, वो लिप लाइनर था, आप लाइन कर सकते हैं इसको, लिप फिलर भी कर सकते हैं। और इसका मैं यूज़ है ना कभी कभी, कभी कभी क्या मैं ज़्यादातर लीड को फिल करने में ही लगा देती हूँ, लीड बहुत अच्छे से इससे हो जाती है। सो ये ब्रश है मेरा, एक और भी है रखे हैं, मैं अफोर्डेबल ही बता रही हूँ आपको। ये मेकअप टूल से यू आर वेरी ब्यूटीफुल, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, बस एवे अगर आप बेस क्लियर करना चाहते हैं या फिर अभी थोड़ा सा पाउडर वगैरह लगाना चाहते हैं, इसमें बहुत अच्छे से लग जाता है। और एक ब्रश है मेरा, मैं आपको बता दूँ मेरा वन ऑफ फेवरेट है, ये है ब्रश, बट ये पता है इसमें कुछ लिखा नहीं है क्योंकि ये चाइना का माल है, मुझे नहीं पता था तो मैंने खरीद लिया। बट ये जो है ना हाइलाइटर का वर्क बहुत, सॉरी हाइलाइटर का, ये है ना कॉन्टूरिंग का बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत स्किन को ऑब्जर्व कराने में ये वर्क बहुत अच्छा करता है ये ब्रश। सो ये भी मेरा थोड़ा सा फेवरेट है, और इसको मैं जब से आया है, जिस तरीके की पैकेजिंग में आया है उसी की तरीके की पैकेजिंग में इसको रखती हूँ मैं, आप देख सकते हैं, राइट। सो अभी हमारी ब्रश की बात हो गई, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे अबाउट, अच्छा ठीक है, ये देखो मैंने इसको फिनिश कर दिया है, मेरे पास दो है और बहुत अफोर्डेबल होते हैं, तो ठीक है मैं लगा लेती हूँ इनको, इसको भी मैंने लगा लूँगा कि ख़त्म कर दिया है पूरा, बट अभी मैं हटाती रही हूँ बिल्कुल भी, इनको पैक जो एम्प्टी होते हैं वो भी रख ही लेती हूँ। सो आप देख सकते हैं, एंड बाय वे का दोबारा से भी मैंने प्राइवेट मंगा लिया था,
अब मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या करना है, मतलब यूज़ कैसे करना है, आपको कौन सा प्रोडक्ट फर्स्ट यूज़ करना है, कौन सा सेकंड यूज़ करना है, कौन सा थर्ड यूज़ करना है, क्योंकि इसमें कई लोग बहुत कंफ्यूजन होते हैं। अब आई थिंक ये आपको पता चल गया होगा कौन सा प्राइमर होता है, कौन सा कंसीलर होता है, या फिर कौन सा फाउंडेशन होता है, कौन सा हाइलाइटर होता है, कौन सा फिक्सर होता है, कौन सा कॉन्टूरिंग होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर नहीं हो समझे तो फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से उठा के इधर किया था और इधर से उठा के मैं इधर करूँगी। बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो रहा है, बट सॉरी, आप लोगों को चिट चैट वीडियो में आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया आप स्किप कर सकते हैं, स्किप करके देख सकते हैं, बट अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो ऑफकोर्स आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे फेस से कि हम पहले फेस पे हमें क्या लगाना चाहिए। हालांकि मैंने आपको बता दिया था, स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि सबसे पहले हमको कोई सी भी क्रीम हो, अभी तो ये कोई सी भी हमारे पास क्रीम हो, कोई सी भी मॉइस्चराइजर क्रीम हो, कोई सी भी हो, चाहे आपकी मिल्क क्रीम हो, चाहे आपकी क्रीम सिंपल हो, चाहे फ्रूट क्रीम हो, एलोवेरा क्रीम हो, एनी क्रीम यू कैन अप्लाई फॉर किसके लिए, मॉइस्चराइजर के लिए। सो यस, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे टोनर, कोई सा भी टोनर हो। अभी हमने अफोर्डेबल बताया था, अब मैं बता रही हूँ बिगनर्स के लिए स्टेप बाय स्टेप मेकअप। ओके, सो अब हम सबसे पहले हम लगाएंगे टोनर। हमें अपने फेस को टोन बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि हम उतनी अच्छी चीज़ें नहीं खाते हैं जितनी हम, जितना हमारे, जितने भी हमारे फेस पे जितने ये पिंपल्स वगैरह होते हैं, तो आजकल हम उतना नहीं अच्छा ट्रीट कर पाते हैं ताकि हमारे ये पिंपल्स वगैरह ना हो, बट इसके थ्रू हमारे जितनी भी कमी होती है हमारे स्किन के लिए, हमारे स्किन में, तो ये टोनर के थ्रू चली जाती है। और जिसके ओपन पोर्स होते हैं लाइक मी, तो ये जो कुकुम्बर टोनर है इसकी मैंने क्वालिटी और डिसक्वालिटी बता ही दी है। इसमें डिसक्वालिटी तो कोई नहीं है, सारी क्वालिटी ही क्वालिटी है, तो हमें कन्फर्म हो गया। सबसे नंबर फर्स्ट है हमारा प्राइमर, सेकंड नंबर है हमारा टोनर, और थर्ड नंबर जो हमारा होगा वो है प्राइमर। अब प्राइमर में मैंने आपको बताया था चाहे आप एलोवेरा यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्किन, चाहे आप एलोवेरा यूज़ कर सकते हो, या फिर मैंने आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मैंने आपको बताया था प्राइमर। और प्राइमर हमारे स्किन को पता है क्या करता है, मैंने आपको खुद बताया था अभी कि ब्लर आउट करता है, और जितनी भी हम लेयर्स पे लेयर्स पे लेयर्स, अभी आपको जैसे कि लाइट मेकअप करना है लाइक चलो ठीक है बीबी क्रीम लगाई, सीसी क्रीम लगाई, या फिर कोई सा भी फाउंडेशन लगा लिया, तो इसके लिए ये बेटर है। बट मान लो अगर आप ब्राइडल मेकअप करते हो या बहुत हैवी लुक करते हो, लाइक लेयर पे लेयर चढ़ाए जा रहे हो आप, लाइक बहुत सारा आपने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया, उसके आप कंसीलर यूज़ कर रहे हो, फिर उसके आप बहुत सारे जो कलर करेक्टर होते हैं वो कर रहे हो, फिर उसके बाद आप पता नहीं लेयर पे लेयर अगर चढ़ाएंगे, तो आपको प्राइमर बहुत ज़रूरी है प्राइमर लगाना, क्योंकि इससे काम नहीं चलने वाला है। ये बहुत नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होता है, इनली कर रही हूँ, सो इससे काम नहीं चलेगा। बट अगर आप बेसिक सा मेकअप कर रहे हैं, कॉलेज गर्ल गोइंग है, ऑफिस गर्ल गोइंग है, घर पे आप लेडीज़ हैं, हाउस वाइफ हैं, तो इसके लिए आप लगा सकते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और तो हमारा थर्ड जो स्टेप कि कॉम्पैक्ट के लिए, सॉरी प्राइमर के लिए, इट इज़ अमेजिंग यू नो। अब हम इसके बाद जो वर्क करेंगे, अब उसके बाद हम यूज़ करते हैं, चाहे हम आईज़ मेकअप करें या फिर हम अपने फेस का मेकअप करें, उसके लिए हमें ज़रूरत होती है फाउंडेशन की। तो हमारे पास फाउंडेशन का भी बहुत सारा अच्छा कलेक्शन है, हम कोई सा भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम यूज़ करते हैं फाउंडेशन, और फाउंडेशन में हमारे पास भर भर के कलेक्शन है, तो आप कोई सा भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। मैं तो प्राइमर ही ये वाला बताऊँगी सिर्फ ब्यूटी का। सो इसके बाद हम फाउंडेशन लगाते हैं। प्राइमर के बाद जो हमारा फोर्थ फाइव्थ स्टेप होता है वो होता है फाउंडेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड क्या होता है। पहले होता है हमारा मॉइस्चराइजर, फिर हमारा होता है टोनर, सॉरी हाँ पहले टोनर, फिर मॉइस्चराइजर, फिर प्राइमर, फाउंडेशन, अब उसके बाद आता है कंसीलर। कंसीलर हमारे हाईलाइट एरिया को कवर करता है, लाइक जैसे कि अभी यहाँ पे मेरी पिंपल्स हैं, या फिर ओपन पोर्स हैं, या फिर स्पॉट है, तो इसको आप लगाएंगे तो वो थोड़ा सा हाइड हो जाएगा। या फिर मान लो डार्क सर्कल है, इसको आप यहाँ 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 हाईलाइट पॉइंट पे आप लगाएंगे तो भी वो आपके अच्छे से हाइड हो जाएंगे। तो कंसील
इसलिए होता है ताकि आपकी जितनी भी स्पॉट हो या फिर एक्स्ट्रा जो भी स्पॉट्स हो या फिर जो भी चीज़ें आपको हटानी है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट करता है। सो हमारे पास यहाँ कंसीलर हैं ऑलरेडी दो, सो मैंने आपको बता दिया आप कोई से भी खरीद सकते हो। बट कंसीलर का है क्या काम है, कंसीलर हमें कब करना चाहिए, हमें अपनी स्किन को कंसील कब करना चाहिए, मेकअप को कंसील कब करना चाहिए, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब हमारा कंसील का वर्क फिनिश हो रहा है, अब हम इसके बाद जो हम यूज़ करेंगे वो होगा कॉन्टोर। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉन्टोर हमारे फेस के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉन्टोर जो है हमारे फेस को पता है क्या करता है, हमारे जितने भी फीचर्स को होता है ना शार्प दिखाता है। और जैसे कि मेरा आप देख लीजिएगा, मेरा एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा वाइट है, अब जब हम इनको कॉन्टोर करेंगे तो एक शार्प फीचर्स जो होते हैं वो आपके निकल के आते हैं। सो ये कॉन्टोरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे आपको ड्राई वाला करें, लिक्विड वाला करें, क्रीमी वाला करें, कोई सा भी करें, बट कॉन्टोर आपको करना चाहिए। तो कॉन्टोरिंग हमारे फेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मेकअप का हर पार्ट ही जान होती है, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती, बट कॉन्टोरिंग इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, सो यू हैव टू डू सीरियसली। सो कॉन्टोरिंग इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट। अब हम कॉन्टोरिंग की बात करते हैं, जो अब कॉन्टोरिंग के बाद हम क्या करेंगे, हाइलाइटर करेंगे, ब्लश करेंगे। अब ब्लश और के लिए मैंने बताया है जो मैंने स्विस ब्यूटी की बताई ना आपको, ये वाले बता देती हूँ दोबारा से, तो आप बोलेंगे कितना बार खोलते हो यार। अब आप लोगों को समझा रही हूँ तो बहुत अच्छे से समझा दूँ, थोड़ा समझाना क्या होता है। तो आप अपनी आईज़ को कलरफुल आईज़ कर सकते हैं, इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं अपनी आईज़ के लिए कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं। ये होते हैं पैलेट, आई पैलेट, आई शेडो, इनको आई शेडो बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इनको, इनको आई शेडो बोलते हैं। और आई शेडो हम अपनी क्रीज लाइन पे या फिर आईज पे लगाते हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता आई शेडो क्या होता है, तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि आई शेडो वो होता है जो हम अपनी आँखों पे लगाते हैं, आँखों के ऊपर लगाते हैं, लिड पे, क्रीज पे, तो ये होते हैं सॉरी आई शेडो। और इसी में से आप ब्लश यूज़ कर सकते हो, जो पिंक वाला है ना बहुत अच्छा है, पिंक ब्लश यूज़ कर सकते हो, ऑरेंज कर सकते हो, सो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, कोई सा भी कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत पिगमेंटेड कलर है तो मैं इसमें से ही चूज़ करती हूँ, और बहुत सारे कलर इसमें आते हैं, तो मैं इसको एज आ ब्लश और इसको एज आ आई शेडो यूज़ कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा करती हूँ यार। और अभी तो मैंने परचेज़ किया है दूसरा, वो इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा, फिर भी इसमें से खरीद कर लेती हूँ। और अगर आपके पास ब्लश नहीं भी है तो मैं आपको बता दूँ, कोई आपके पास पिंक लिपस्टिक हो, पिंक लिपस्टिक से भी कर सकते हैं आप। और अगर आपके पास आई शेडो भी नहीं है तो कोई सी भी लिपस्टिक है आप आई शेडो का भी काम कर सकते हैं, लिपस्टिक से भी, मैंने भी आप कई सारे बनाए हैं वीडियोज़। अब हम आते हैं हाइलाइटर पे, हाइलाइटर तो मेकअप की जान होता है, जिसको नहीं पता उसको बोल रही हूँ, बाकी तो सबको पता ही होगा। तो हाइलाइटर मेकअप की जान होता है, और इसका 01 साइज़ है मेरा, मेरे इसका हाइलाइटर का, स्विस ब्यूटी हाइलाइटर पैलेट है जो, और बहुत हाईली पिगमेंटेड है, और इसमें 5 फीचर्स हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, इन्होंने किया है, बट ये बहुत अच्छा वर्क करता है सीरियसली। और आपको हाईलाइट पॉइंट पता ही होंगे, हाईलाइट पॉइंट हमारे होते हैं नोज़ टॉप, ये जो नोज़ होता है ना यहाँ पे, इनके जो नॉस्ट्रल होते हैं यहाँ पे, फॉर हेड पे, ब्रोज बॉन पे, और यहाँ चिक बॉन, जो आप चिक पे थोड़ा थोड़ा जो स्माइल करो लाइक हाईलाइटर जैसा फील हो, यहाँ पे चिन पे, और यहाँ नोज़ के पास, लिप के पास सॉरी। सो ये हमारे एरियाज होते हैं, और यहाँ हमें हाइलाइटर लगाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि हाइलाइटर आईज़ पे भी लगा लेते हैं, जिनको नहीं पता होता है अंडर द आईज़ लगा लेते हैं, वो चीज़ गलत है, वहाँ कभी नहीं लगाना चाहिए हमें हाइलाइटर, हमें सिर्फ हाइलाइटर नोज़ फॉरहेड, क्योंकि आप यहाँ पे कॉन्टोरिंग करते हो, जो कॉन्टोर करते हो आपने देखा होगा, मैं आपको बता देती हूँ कहाँ गया, हाँ ये, तो आप कॉन्टोरिंग की जो जगह होती है वो कॉन्टोरिंग की होती है यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक,
फिर देन हियर एंड देयर एंड देयर एंड देयर और टिप 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 करके, तो एक एक बेस बनता है। जैसे कि मान लो आपका यहाँ से शार्प हो गया, फिर यहाँ से शार्प हो गया, देन यहाँ से भी शार्प हो गया, यहाँ यहाँ और यहाँ से भी शार्प हो गया, तो आपकी फीचर शार्प हो गए। अभी आपको शाइन एंड ग्लोई करना है, तो ग्लोई और शाइन के लिए आप यहाँ मिड में आप अपना ब्लश यूज करेंगे, इसके ऊपर आप हल्का सा हाइलाइटर, जो कि यहाँ चिक से लेके जाए, ब्लश हमें हस्की करना है, स्माइल करके करना है। ब्लश का ये जो एरिया होता है ना, ये एरिया जो ब्लश का होता है, यहाँ पे आप यहाँ हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो एरियाज होते हैं और यहाँ फीचर्स हो जाते हैं। अब जैसे कि मेरा ये थोड़ा सा वाइड है, तो अगर मैं यहाँ से यूज़ करती हूँ तो ये थोड़े से शार्प फीचर हो जाते हैं, और मेकअप तो होता ही है खेलने के लिए। सो यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि हाइलाइटर के कौन से पॉइंट होते हैं और कॉन्टोरिंग के कौन से पॉइंट होते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर आप आते हैं मेकअप के, आईज़ मेकअप पे। तो आईज़ मेकअप में जब आपने मस्कारा यूज़ कर लिया, सॉरी आई पैलेट यूज़ किया है, आई शेडोज यूज़ किया है, फिर हमारा आता है ये लाइनर, ठीक है। और लाइनर के बाद, लाइनर से पहले हमें लगाना, सॉरी लाइनर के बाद हमें जो ये लैसेस होते हैं ना, मैंने ये कितने लैसेस मंगाए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बहुत अफोर्डेबल है, 200 में मुझे 6 पड़ गए। अदरवाइज जो भी मैं खरीदती हूँ मुझे पड़ते हैं 100 का 1 पड़ता है जो 5D वाला होता है, बट ये अभी मुझे ना बहुत सही मिल गया है ये 200 में। बट ये एक्चुअली मेरी आंखों से छोटे हो गए, तो ये मेरे अभी किसी काम के नहीं है। आपको ग्लास, सॉरी कैमरे में इतना बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, बट ये किसी काम का नहीं है यार। सो ठीक है, मेरी आंखों से छोटा है। अब किसको किसको चाहिए प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके घर भिजवा दूँगी ये, क्योंकि अभी ये मेरे किसी काम का नहीं है। बट हाँ, जब भी आप लाइनर लगाते हो, लाइनर पहले लगाना चाहिए, इसके बाद ये लगाना चाहिए, अदरवाइज आपने इसके पहले लगाया तो आपका मेकअप बहुत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जब ये चिपक जाता है फिर आपको पता नहीं रहता, क्योंकि फिर आपकी पलकें ना बड़ी हो जाती हैं, तो आपको पता नहीं चलता है। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड है कि आपको क्या करना है। सो पहले ये लाइनर, उसके बाद ये, फिर हमें लगाना चाहिए काजल। मैं सारे स्टेप क्लियर कर रही हूँ आपको। काजल लगाना चाहिए, फिर उसके बाद हमें मस्कारा लगाना चाहिए। मस्कारा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि आपने फेक लेसेस लगा ली, ठीक है, आप फेक लेसेस आपने अगर अप्लाई की हैं तो आपको फेक लेसेस यहाँ पे लगा लेनी चाहिए। फेक लेसेस आप अपसाइड लगाते हो, लॉन्ग लेसेस में नहीं लगाते, तो मस्कारा बहुत ज़रूरी है, और ताकि आपकी जो लॉन्ग लेसेस और फेक लेसेस हैं वो थोड़ी सी इक्वल दिखें। सो यहाँ तक हम आ गए। इसके बाद जब आपको ब्लेंडिंग करनी है, तो ब्लेंडिंग के लिए मैंने बताया है, इसको पहले आप एक वाउल लीजिए, वाउल में इसको डीप कर दीजिएगा। जब आप डिप कर देंगे, देन ये इसको फिर प्रेस करके इसका जो पानी है वो सारा निकाल दीजिएगा, फिर आप इसको डैप 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 करके यूज़ करिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ये, ठीक है ना। सो ये यहाँ पे आता है। फिर उसके बाद हम यूज़ करते हैं सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जितने भी हमारे, जो भी हमने मेकअप किया है और मेकअप जो भी हमने किया है, वो सारा मेकअप हमारा स्वेट ना आ जाए, या फिर वाटरप्रूफ नहीं है तो कहीं स्वेट आ जाए, तो स्वेट की वजह से सारा मेल्ट हो जाए, सारा वॉश आउट हो जाए, ब्लैक ना पड़ जाए। लॉन्ग लास्टिंग चलाने के लिए इस मेकअप को, लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चलाने के लिए हमें NYV का, जो भी किसी का भी आप यूज़ करते हैं मेकअप फिक्सर, तो देखो इससे क्या होता है, इसके मैं सारे बताती हूँ इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, यू नो। अब देखो, ऑब्जर्व क्विकली, ये बहुत जल्दी आपके स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है। नॉन स्टिकी फॉर्मूला, नॉन स्टिकी रहता है। प्रोवाइड इंटेंस वाइट हाइड्रेशन, सॉरी हाइड्रेशन, प्रोवाइड इंटेंस हाइड्रेशन एंड रिमूव द नीड ऑफ टचअप। जितना भी आप टचअप करते हैं वो भी रिमूव कर देता है, अगर आप रिमूव करना चाहेंगे तो। और ये है ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग, मतलब ये बहुत छोटा है, आप
पॉकेट में भी डाल के इसको रख सकते हैं, ट्रैवल फ्रेंडली है, ठीक है ना। और ये जो ट्रैवल फ्रेंडली होते हैं ना, बहुत ठीक रहते हैं यार, ऐसा नहीं है भर भर के एकदम से ले जाओ। मेक्स मेकअप लॉन्ग लास्ट और वी लॉन्ग। ये आपका एक दिन, मान लो आप अगर मॉर्निंग में करते हैं तो पूरा नाइट तक आपका मेकअप चल जाएगा। अगर आप मेकअप सेटिंग स्प्रे अगर कर लेते हैं तो ये एक दिन आसानी से चल जाएगा, ठीक है ना। तो बेकिंग ये सेटिंग स्प्रे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई लोग नहीं यूज़ करते हैं। आप घर में भी होम DIY करके बना सकते हैं, तो आप लोग बना लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो एक सेटिंग स्प्रे खरीद लीजिएगा, ये बहुत सारी चलती है, क्योंकि अब हम तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस चीज़ का, बट आप लोग कभी कभी इसको यूज़ करते होंगे। सो आई होप आप लोग का आराम से चल जाना है। सो ये जो हमारा लास्ट टॉपिक होता है, ये सेटिंग स्प्रे होता है। सो इसको तो कभी भूलना ही नहीं है लगाना, और मैं भी नहीं भूलती हूँ। पहले बहुत इसको लाइट चीज़ों को समझती थी, बट अभी लगा लेती हूँ। ये अब तक फिनिश हो गया होता, बट कहते हैं ना कि इसका स्प्रे सही नहीं है। अब एक्चुअली स्प्रे में मैं इसको फिल करूँगी तब लगाऊंगी, वो मैं DIY आपको यही बताने लगी। तो हमारा आज का हो चुका है सब कुछ, कि हमें क्या क्या यूज़ करना है, क्या क्या नहीं। अब आप बोलेंगे लिपस्टिक तो बताई ही नहीं आपने। ऑफकोर्स लिपस्टिक बता रही हूँ, ये मैट की लिपस्टिक है और ये लिप ग्लॉस मैट लिपस्टिक। ये एक्चुअली मैंने लोकल मार्केट से ली थी, ओनली 80 रुपीज़ की। 80 रुपीज़ के लिए इसका वर्क बहुत अच्छा करती है ये लिपस्टिक। एक्चुअली मैंने जो लास्ट अभी मैंने मेकअप किया था मैंने, आप लोगों को याद होगा लास्ट मैंने कौन सा किया, पंजाबी मेकअप लुक किया ना, ये लिपस्टिक है। और इसका 02 इसका जो शेड नंबर है 02 करके, इतना अच्छा वर्क किया है इसने, ये इतनी अमेजिंग है। मैं दो लेके आई थी, मैंने अपनी किसी को गिफ्ट किया, मैं नहीं बताने वाली मैंने किसको गिफ्ट किया है, बट मैंने गिफ्ट कर दिया। और ये शेड मैंने रख लिया है, अभी ज़्यादा लॉकडाउन की वजह से इधर उधर जाना नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है मेरे पास ज़्यादा कलेक्शन नहीं है। और एक जो मेरा बेबी है नॉटी सा, वो सारी लिपस्टिक अब मैं तोड़ ताड़ के रख देता है, मेरी सारी तोड़ दी, बस न्यू कोई सी भी नहीं आ पाई है। और मैं आपको बताऊंगी काजल के बारे में। और हाँ, सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट वर्क है वो तो मैं भूल ही गई, और आप काजल भी यूज़ कर सकते हो, वाइट काजल भी यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो, अगर आप मान लो वाइट काजल नहीं यूज़ कर रहे हो, तो जो ये आपके इनर कॉर्नर होते हैं ना, इनको तो फिल करना भूलना ही नहीं। अभी मैंने हल्का सा किया है, बट इनको फिल करना भूलना ही नहीं है। अगर मान लो आपने इसको फिल किया है ना, तो एक मेकअप में जान से ये दे देता है। अरे कुछ नहीं किया, बट एक अमेजिंग शाइन ये देता है। सो आप ये ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। ये काजल है, वाइट काजल है, बट आप क्या कर सकते हैं, जो पैलेट होता है ना, कलर पैलेट होता है, एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से इनर कॉर्नर को भी आप एकदम हाईलाइट करें। जैसे आप अपने फेस को हाईलाइट करते हैं, वैसे इनर कॉर्नर, आईज़ की इनर कॉर्नर को भी करना है, ताकि देखो आप कितना प्यारा लुक आ रहा है। सो ये होगा। अब हमने थ्रेड की तो बात की नहीं, हमें अपनी ब्रोज कैसे फिल करनी है। अब ये पेंसिल बहुत अच्छी है, देखो यहाँ तक ये आ चुकी है। अगर आपको पेंसिल यूज़ करनी है तो आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको कोई पैलेट हो, अभी मेरे पास रेवोल्यूशन का पैलेट है, उसमें डार्क कलर है ब्लैक, मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ थ्रेड फिल करने के लिए। अगर आपके पास डार्क पैलेट कलर है या फिर ब्राउन कलर है, तो आप ब्राउन कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास मस्कारा है तो मस्कारा का आप ये एप्लीकेटर लो और कुछ इस तरीके से कर दो, बहुत अच्छा वर्क कर देगा, देखो। और कॉम का कॉम हो जाएगा, यू नो। सो कुछ टिप्स तो मैं आपको यही हैंड टू हैंड दे रही हूँ, देखिए इतना अच्छा वर्क कर गया। तो ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अगर आपके पास पेंसिल भी नहीं है, कलर भी नहीं है, आप ट्रैवल पे हैं, तो दिस इज़ अ अमेजिंग गुड वर्क फॉर थ्रेड फिल। आप बहुत अच्छे से इसको फिल कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो बिल्कुल पसंद आने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने आपको सब कुछ बताया है। मेकअप अफोर्डेबल मेकअप भी बताया मैंने, मेकअप स्टेप बाय स्टेप कैसे आप कर सकते हैं, और
क्या प्रोसेस रहते हैं, किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या नहीं बोलते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मस्कारा फर्स्ट में लगाते हैं, सेकंड में लगाते हैं, लाइनर क्या होता है, पैलेट क्या होता है, पता नहीं बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूजन होता है। मैं भी रहती थी एक्चुअली, मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था तो आप लोग कन्फ्यूज थे कि उसमें प्रॉपर, और एक्चुअली सॉरी क्लिप मेरी एक डिलीट हो गई थी जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, तो वो आपकी 4 मिनट की बहुत शॉर्ट वीडियो थी। अभी मैंने चिट चैट वीडियो में आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि एक्चुअली जब मैं एक प्रोडक्ट मुझे याद आता था, एक भूल जाती थी कि ये क्या होता है क्या नहीं होता, तो मैं एक डायरी लेती थी उस पर लिख लेती थी कि भाई ये मस्कारा होता है और ये फाउंडेशन होता है, ये कॉम्पैक्ट पाउडर होता है, ये लैसेस होते हैं और ये पैलेट होता है, ये ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो चीज़ें मुझे बहुत मुश्किल में याद होती हैं। हाँ कभी कभी होता है नहीं हो पाता है कि प्राइमर, बीबी क्रीम क्या होती है, सीसी क्रीम क्या होती है, सीसी क्रीम क्यों यूज़ करते हैं, बीबी क्रीम क्यों, अब सीसी करते हो तो बीबी क्यों करते हैं, बीबी करते हो तो सीसी, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। सीसी बीबी क्रीम एक फाउंडेशन का वर्क करती है, वो लाइट वेट जो मेकअप होता है उसके काम में आती है। अगर आप कोई लाइट मेकअप कर रहे हैं लाइक अ कॉलेज गोइंग गर्ल, लाइक ऑफिस गोइंग गर्ल, या फिर आप स्कूल टीचिंग करते हैं, तो आप बीबी सीसी क्रीम आप बहुत ईजी गोइंग लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा वर्क करती है। और मैंने आपको बताया भी था कि आप प्राइमर जब यूज़ करो, एज अ प्राइमर अगर वो एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हो तो बीबी सीसी क्रीम इज लिटिल वेट, मतलब छोटा सा एक लाइट वेट मेकअप होता है, सो आप कर सकते हो, उसमें कोई इशूज नहीं होते हैं। बट ठीक है, अभी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कंसीलर क्या होता है, प्राइमर क्या होता है, फाउंडेशन क्या होता है। और मैंने आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है ऑफकोर्स, तो आई होप आप लोगों को ये वाली चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जो एक्चुअली मैं बताऊँ, जो हमारे लिपस्टिक आप लोग लगाते हैं ना, कई बार एक्चुअली क्या होता है, मेरे से तो बहुत स्प्रेडिंग होती है, लाइक अभी भी आप देख सकते होंगे, बट मेरे लिए है ना सबसे ज़्यादा मैं इस लाइनर को यूज़ करती हूँ। कोई सा भी आप लाइनर हो, अगर आप लिपस्टिक लगा रहे हैं तो उसको ज़रूर लाइन कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी आपकी लिपस्टिक होती है वो स्प्रेड नहीं होती है, इधर उधर स्प्रेड नहीं होती है। यू नो जब स्प्रेड हो जाती है तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। बाकी कई लोगों की हैबिट होती है कि उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने लिपस्टिक लगा भी रखी है, तो लिपस्टिक अगर आप लगाते हैं और सबसे पहले इसको फिलर से फिल कर लेते हैं लाइनर से, तो आपकी बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलती है और स्प्रेड नहीं होती है। तो आपको लिपस्टिक लगाते टाइम आपको ये हमेशा याद रखना है कि इससे पहले आप फिल कर लीजिएगा। सो आई होप आप लोगों को ये वाले सारे टिप्स पसंद आए होंगे। और कई सारे DIY हैं जो कि मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, मे बी वो लेट आएगा, बट ये तब भी मैं इसमें आपको थोड़े से टिप्स दे रही हूँ। और ये जो मैंने मेकअप किया है, ये सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हो गर्मी बहुत सारी है, हालांकि वेदर बहुत अच्छा है, मैंने ये सिर्फ और सिर्फ केवल इससे किया है, इसका स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन कितना दिमाग घूम रहा है, तो मैंने ये स्विस ब्यूटी के जो फाउंडेशन से ही सारा मेकअप क्लियर किया है। और बस एक कोट मैंने बस एमईएमई लगा दिया और कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लिया, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया है। और लाइनर तो मेरा फेवरेट है ही, लिपस्टिक तो लड़कियों की जान होती है, आपको तो पता ही है, विदाउट लिपस्टिक तो लड़कियाँ अधूरी सी होती हैं। सो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अमेजिंग वीडियो। और हाँ, आपको एक बात और बतानी थी कि आपको प्लीज़, आप मेरे वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब जो भी वीडियो है, बहुत सारे वीडियो हैं जो के में जा रहे हैं, मतलब 1K 2K में से। तो अभी मेरा चैनल जो है ना मोनिटाइजेशन होने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी हूँ मैं, एक्चुअली आर्ट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं और जो सब्सक्राइब होते हैं, जो क्राइटेरिया होता है जो यूट्यूब का, वो आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है मेरा। सो मैं बस यही चाहूँगी कि आप लोग जितना प्यार मुझे दे रहे हैं उतना प्यार दीजिएगा। आपको जहाँ पे भी लगता है कि, क्योंकि ब्यूटी से रिलेटेड अगर आपको कोई से भी इश्यूज होते हैं या फिर कुछ पूछना होता है तो आप पूछ लीजिएगा बेझिझक, क्योंकि और कमेंट कर दीजिएगा तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगी। बट प्लीज़ जितना प्यार आप लोगों ने मुझे लास्ट दिखाया, अभी दिखाइए और हमेशा दिखाते रहिए। ये सब आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया, अगर आप नहीं चाहते तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। तो मैं अभी 0 से यहाँ तक आ चुकी हूँ, मतलब 1000 मैंने क्रॉस कर लिया है। और मैं भी बहुत जल्दी आप लोगों की ब्लेसिंग है कि मैं, मेरा चैनल मोनिटाइजेशन
हो जाए. सो आई एम सो हैप्पी विद इट. और जो भी आपको मेकअप से रिलेटेड चीज़ें चाहिए हैं उससे भी आप बता दीजिएगा, उसका मैं रिव्यू कर दूँगी. कुछ लोगों के और भी वीडियोस हैं जो कि पेंडिंग में है, वो मुझे बिल्कुल याद है. और ये मैंने थोड़ा सा लंबा वीडियो इसलिए बना दिया क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि ये ऐसे होता है वो कैसे होता है. तो ये मुझे लगता है ये इतना लॉन्ग डिजर्व करता था ताकि हमें सारी चीज़ें समझ में आए कि अफोर्डेबल प्राइस क्या है. मैं इससे 2-3 वीडियो बनाती, इससे मैंने एक वीडियो बना दिया, आप पूरी रिसर्च कर लीजिएगा. सो आई होप आप लोगों को बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिल गया होगा. और मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, वो लास्ट में बताऊंगी, अभी नहीं बता रही हूँ. कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं बाद में दिया करूँगी. मैंने एक रूल बनाया है कि मैं आपको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स दिया करूँ. तो ये सारे प्रोडक्ट्स हो गए, आपने देख लिए, सारे ब्रश से लेके मैंने हाइलाइटर तक, हाइलाइटर से लेके सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. आई होप आप लोगों को इसके बारे में अब जानकारी नहीं लेनी है. बट मैं आपको एक टिप्स दूंगी, वो है लास्ट में, और आप उस टिप्स का वेट करिए. सो अभी अगर आपको मैं कुछ टिप्स ये भी दूंगी कि कौन सी कलर पे आप कौन सा शेड लगा सकते हैं, चाहे वो लाइनर का हो या फिर आप लिपस्टिक का हो. एक्चुअली कपड़ों पे हम किस कलर के कपड़ों पे किस कलर पे हम शेड लगा सकते हैं, सो अभी मैं बताने वाली हूँ. तब तक के लिए, जैसे कि लाइनर है, अगर आप वाइट कपड़े पहनते हो, सिंपल वाइट कपड़े पहनते हो, तो ये ग्रीन लाइनर बहुत अच्छा वर्क करता है. एक्चुअली मैं भी अप्लाई करने वाली थी बट ये मुझे मिला नहीं, अब यहाँ पे रखा था तो मैं भी इसको अप्लाई करती. और रही बात शेड की, तो जितने भी हमारे सिंपल पैटर्न कपड़े होते हैं, अभी मैं लास्ट में मैंने कहा था ना आपको मैं टिप्स बताऊंगी. सो ऑफकोर्स टिप्स बताऊंगी कि वो टिप्स क्या है. वो टिप्स है हमारी, ये लिपस्टिक है ना, और हमें चाहिए कलरफुल लाइनर. तो हम कैसे लाइनर लगाएंगे कलरफुल, चाहे हमारे पास कोई सी भी कलर की लिपस्टिक हो, पिंक, डार्क ब्राउन, रेड, एनी अदर, डोंट वरी, हम इसका लेंगे एप्लीकेटर और इस एप्लीकेटर से हम एज आ लाइनर लगा सकते हैं. और ये वाली जो वीडियो है बहुत जल्द आने वाली है और बहुत अच्छा वर्क करता है गाइज. मैं आपको दिखा नहीं सकती, नहीं तो मैं इसका डेमो देती. आप एक एप्लीकेटर जो होता है, इन्हीं के एप्लीकेटर आप यूज़ कर लेना, और इस एप्लीकेटर से अगर आप ये लिपस्टिक यूज़ करोगे ना, बहुत अमेजिंग वर्क करेगा. सो सबसे पहले हमारा टिप्स वन, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है टिप्स लेना. अगर मान लो आपके पास ब्लश नहीं है, ओके, सो अगर आपके पास ब्लश नहीं है तो आप क्या करेंगे, ब्लश की जगह 1, 2, 3 आपको 1, 2, 3 डॉट कर दें, देन आपको ब्लेंड कर देना. ये बहुत अच्छा वर्क, कोई सी भी लिपस्टिक हो चाहे लिक्विड हो, मैट इतना अच्छा नहीं करेगी लेकिन लिक्विड कर देगी. तो ये मैट है, मैट तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है. तो ये ब्लश के भी काम आ गई, आपके लाइनर के भी काम आ गई. प्लस अगर आप आई शेडो के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं तो ये आई शेडो का भी काम करेगी. ये एक लिपस्टिक कितना काम करती है, यू नो, 1, 2, 3 और भी न जाने कितने काम. तो एक तो हमारा आई शेडो, अगर हमें लाइनर लगाना है तो एज अ लाइनर भी लगा सकते हैं, आई शेडो भी लगा सकते हैं, ब्लश भी लगा सकते हैं, लिपस्टिक भी लगा सकते हैं. तो है ना कितने गजब की ट्रिक्स. आई होप आप लोगों को ये सारी ट्रिक्स पसंद आई हो, ऑफकोर्स पसंद आएंगी. और एक ट्रिक और मुझे देनी है, जो कि मैंने आपको मस्कारा वाली दी थी. अगर आपके पास क्या नहीं है, अगर आपके पास ये पेंसिल नहीं है या ब्रूज कलर नहीं है, तो आप कलर तो कर ही सकते हैं लेकिन मस्कारा से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना. नेक्स्ट है हमारा, अगर आपके पास मान लो मस्कारा ही नहीं है, ठीक है, तो मस्कारा नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, मस्कारा जो हमारा लाइनर होता है ना, लाइनर का जो एप्लीकेटर होता है, मैं अभी आपको बताती हूँ. तो ये आ गया, ये हमारे टिप्स हैं. अगर मान लो ये है और हमारे पास मस्कारा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, है ना अमेजिंग ट्रिक. सो अगर आपके पास नहीं है चीज़ें, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हम पैसे लेके भी बहुत सारी चीज़ें करें.
तो अगर आपके पास मस्कारा नहीं है तो आप लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं. सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड. और हाँ, अगर आप फेक लेसेस लेते हैं, जैसे कि मान लो मैं फेक लेसेस ले रही हूँ, ठीक है ना, ये हमारे फेक लेसेस. ठीक है, ये हमारे फेक लेसेस हैं. अब क्या करते हैं, हम इसमें ग्लू यूज़ करते हैं, हम ग्लू यूज़ कर लेते हैं, तो बहुत सारी लेयर्स इकट्ठी हो जाती हैं इनके ऊपर. अभी मैंने इनको ही यूज़ किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं. ठीक है, अब हमने ग्लू इसके ऊपर लगाया या फिर हमने ग्लिटर लगाया अपनी आईज पे, तो एक्चुअली एक टाइम के बाद ये ना थोड़ा सा कलर फेड हो जाता है या फिर वाइट वाइट हो जाता है. उसको नॉर्मल करने के लिए आपको क्या करना होगा, मान लो इसके ऊपर बहुत सारी, मेरे पास बहुत सारी ऐसी है, तो आप इसका जो एप्लीकेटर है ना, आप लाइनर लगाते हैं, बस लीजिए और इसको ब्लैक 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 पूरा कर दीजिए. उससे क्या होगा, आपकी जो ये नकली पलकें हैं ना, एकदम ब्लैक दिखेंगी, कोई सा भी कलर नहीं होगा. क्योंकि हम जब अपनी आईज़ का मेकअप करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कलर हमारी जो फेस फेक जो लेसेस होती हैं उनके ऊपर भी स्प्रेड हो जाता है. बट अगर आप चाहते हो कि स्प्रेड ना हो और आप चाहते हो कि मतलब ये वाइट ब्लैक दिखें, तो आपको पता है क्या करना है, आपको इसको ऐसे कर लेना है कवर, तो आपका ये वर्क बहुत अच्छे से और ये ब्लैक ही दिखेंगे. मैंने इस पर भी किया है, आप बता नहीं सकते कि आपने किस पर किया है, क्योंकि मैंने भी किया है. एक्चुअली पहले मैं इनको वॉश करती थी, हालांकि वॉश तो हमें कर ही लेना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा अफोर्डेबल है. आपके पास 200-300 और 400 के अराउंड आप लेते हैं और फिर फेंक देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है. ये मुझे कितने का पड़ा था, इसमें नहीं है, मुझे आई थिंक 200 का पड़ा था. मैंने अमेजोन से ही मंगाया था, बट अमेजोन से मैंने एक्चुअली वो भी मंगाई थी मैंने लूज पिन, तो फिर वो मेरा ऑर्डर नहीं आया. बट आप देख लीजिएगा मैंने ये मंगाया, तो आई ना आपकी 3 ट्रिक्स कितनी काम की हैं. तो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा. सो अब मैं फाइनली आपसे बाय बाय बोलने वाली हूँ, क्योंकि मेरा है ना वीडियो बना के थोड़ा सा बहुत लॉन्ग वीडियो हो गई है. और सो ये सारा मेरा जादू का पिटारा. आई होप आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत इजी गोइंग समझ में आ गया होगा. जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन लगे आप पूछ लीजिएगा, सब सारा क्लैरिफिकेशन आपको मिल गया होगा. मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर योर स्किन, योर फैमिली एंड योर, डोंट गो आउट फ्रॉम होम विदाउट एनी रीज़न. बहुत सारा ज्ञान दे दिया मैंने, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत कोरोना और ये चल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग करिए. और हाँ, एक टिप्स और, बहुत सारे टिप्स दे रही हूँ इसी वीडियो में, एक टिप्स और मैं देना चाहूँगी. अगर आपके पास मेकअप रिमूवर नहीं है, आपके पास मेकअप रिमूवर नहीं है, तो मैं आपको बताती हूँ एक चीज़. सो आप क्या कर सकते हैं, अभी मैं आपको डेमो दिखाती हूँ इसका, तो डेमो दिखा दूँगी. खैर, तो हमने क्या लिया, हमने एक स्प्रे, हमने इस पर बहुत सारा कलर ऑब्जर्व कराया था ना, अब हमने क्या किया है, इस पर लेंगे, ओ सॉरी, तो अभी हमने इस पर क्या किया, स्प्रे मारा, जैसे आप देख सकते हैं, आपको दिखाने के चक्कर में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है. अब हमने इस पर किया, ये कॉटन है हमारा, वाइट है कॉटन, है ना. सो आई होप आप लोगों को ये 4-5 ट्रिक जो मिल चुकी हैं वो बहुत काम आने वाली हैं आगे. सो मेकअप से हम बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं मेकअप के साथ, ऐसा नहीं होता है. तो आप देख सकते हैं मेरा हैंड एकदम क्लीन हो गया है और ये इसकी हालत क्या हुई है. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो ये हमारा टोनर कितना काम गया है, यू नो, हमारे स्किन को ग्लोइंग स्किन और शाइनी बनाने के लिए भी, और हमारे स्किन से जितनी भी डस्ट है, डर्ट है, ये छुट्टियों में आउट कर देगी. सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि ये हमारे दो दो काम में आता है, एक हमारे टोन करने के लिए और एक रिमूव करने के लिए, बहुत अच्छा वर्क करता है. सो बस अब मैं फाइनली बार बार आपसे बाय बोल के और रुक जा रही हूँ.
मैं फाइनली बाय बोलती हूँ, और आई होप आप लोगों को वीडियो ये वाला पसंद आया होगा, मेक श्योर। सो प्लीज़ आप मेरे को ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा जिस तरीके से आपने मुझे सपोर्ट किया है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत सारी नीड है। और जब भी मेरे ये 1K में क्रॉस करते हैं तो मैं बहुत हैप्पी हो जाती हूँ कि मैंने पता नहीं कुछ अच्छा वीडियो या कंटेंट आपको लगा, आप बहुत अच्छा प्यार देते हैं, और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार के लिए। और मैं डिज़र्व भी आई थिंक नहीं करती थी, करती थी या नहीं करती थी, बट आप प्लीज़ मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टा की आईडी मैं यहाँ पे अभी मेंशन कर दूँगी। और अगर नहीं भी है तो इंस्टा की आईडी मेरी है Neetu7999, प्लीज़ वहाँ पे भी फॉलो करिए, वहाँ मैं जितने भी आपके क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी होता है मैं आपको आंसर करती हूँ, वहाँ पे जितनी भी आपकी क्वेरीज होती हैं मैं वहाँ पे सारी सॉल्व कर देती हूँ। तो मेक श्योर आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी मेरी फैमिली वाइड हो रही है, इंस्टा फैमिली भी बढ़ रही है और यूट्यूब भी फैमिली बढ़ रही है। तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार दिखाने के लिए, कुछ लोगों ने आके सब्सक्राइब भी किया है, सो थैंक यू सो मच। अगर आपने इंस्टा पे अभी भी मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी इंटरेस्टिंग, या फिर मैं सबसे पहले वहाँ पे सारे अपडेट्स देती रहती हूँ, चाहे वो मेकअप से रिलेटेड हो या फिर कोई से भी रिलेटेड हो, वहाँ मैं आपको आंसर भी कर दूँगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड फाइनली बाय बाय, टेक केयर, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, ओके सी यू सून, बाय बाय। और हाँ, बताने से पहले, अगर आपने अभी मेरे चैनल पर न्यू है तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो सब्सक्राइब के पास में एक बेल आइकन होती है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितने भी आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन होते हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, और आप मेरी कोई सी भी वीडियो मिसिंग ना करें। मैं लाती रहूँगी आपके लिए इतनी ही अमेजिंग वीडियो, और इससे भी ज़्यादा अमेजिंग वीडियो, कोई सी भी वीडियो आपसे मिसिंग ना हो, आई होप। सो बाय बाय, सी यू सून, मैंने कितना सारा बार बाय कर दिया, बट नहीं, फाइनली बाय बाय बाय।